हेलो 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 एवरीवन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दोस्तों तंदुरुस्त हो मेंटली एंड फिजिकली फ़िट एंड फाइन दोस्तों तो आइए दोस्तों आज लेक्चर नंबर फोर है हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है चैप्टर नंबर वन में हम लोगों ने गोता लगाया एस क्यू सी वन ऐसे टू ट्वेंटी के लवली केसेस के अंदर फिर हम आगे बढ़े हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में दो सौ चालीस में हम लोग घुसे दो सौ पचास में घुसे दो सौ सिक्स दो सौ साठ टू नाइन्टी नाइन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे सेकेंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर 300 आज थ्री हंड्रेड प्लानिंग की हम लोगों ने बातें की ठीक है उसके बाद में थोड़ी सी बातें पाँच सौ चालीस की थोड़ी पाँच सौ चालीस छ सौ सौ दस छो बीस उसके ऊपर थे अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस ऐसे तीन सौ पंद्रह ऐसे तीन सौ पंद्रह तीन सौ बीस तीन सौ तीस दो सौ पैंसठ भी ऐसे टू सिक्सटी फाइव सबको मिलाकर बड़ी प्यारी प्यारी केस हम लोग करते जा रहे हैं तो वी ऑलरेडी थ्रू चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर आज खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर फोर आज खत्म हो जाएगा हम देखेंगे उसके आगे हम कितना जा सकते हैं और ये चारों चैप्टर्स के अंदर प्यारे प्यारे केसेस है स्टडीज है उस पर हमने फोकस किया क्रक्स निकाला हम लोगों ने क्वेश्चन का और क्रक्स निकाला हम लोगों ने आंसर का कि एग्जैक्टली exactly आंसर पे हम लोग किस चीज पर मेहनत करनी चाहिए अगर आप इसको अगर आप इसको अस रिविजन में अगर आप रखोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे दोस्तों यू विल बी ओके हेलो हेलो आवाज बराबर नहीं आ रही आप लोगों को अब मुझे बताइए आवाज बराबर आ रही है अब मुझे बताइए आवाज बराबर आ रही है हेलो 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 ओके ओके ग्रेट 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 स्टिक फंटिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके गाइज तो फिर से एक बार बहुत सिंपल तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट पूरे तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं आज चौथा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे इसमें बहुत प्यारे प्यारे एसेज है बहुत इंटरेस्टिंग केसेस थे केसेस में क्या फोकस था वो हम लोगों ने देखा एंसर्स पे क्या फोकस होना चाहिए वो हम लोगों ने देखा अगर आप इसका अगर आप इसका रेगुलर रिविजन रखोगे अगर ये वीडियो आप दो तीन बार देख लोगे और अगर आप एक सिंपल सा प्रिंसिपल बनाओगे कि रोज सेशन खत्म होने के बाद में दो से तीन लेक्चर का revision, कि रिविजन क्या क्या हम लोगों ने कवर किया क्यूमुलेटिव रिविजन दो से तीन लेक्चर का अगर आप ये करते जाओगे और उसके पहले के जो लेक्चर्स है उसका आप क्यूमुलेटिव ओवरव्यू करते जाओगे. हाँ ऐसा ऐसा था ऐसा ऐसा था ऐसा था, एसा था next, next, next. तो आप, आपके पढ़ाई में कुछ दिनों का क्यूमुलेटिव रिविजन और शुरुआत से अब तक का क्यूमोलेटिव ओवरव्यू ये अगर आप रखोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे बहुत ही अच्छा फील करोगे कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर रहेंगे एप्लीकेशन भी बहुत क्लियर रहेगा और तोड़फोड़ मचाओगे एग्जाम के अंदर आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फोर में चैप्टर नंबर फोर में हम लोग बहुत सारी चीजें चार क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे आगे हम लोग बढ़ते हैं लेट्स गो लेट्स 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 गो ले गो गो ओके 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 आइए आइए अब आज इस चैप्टर चैप्टर के अंदर ठीक है मैं आपको बता दूं जैसे ये चैप्टर है एम आर आई मर्टेटी रिस्क इंटरनल कंट्रोल्स इसके अंदर मैं आपका जैसे कॉन्सेप्ट आपके ऐसे 315 से आ रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आपके ट्रेडिशनल थेरी से आ रहे हैं मैंने ऐसा देखा है कि जनरली बच्चों को जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की जो थेरी होती है वो जो होती है वो बहुत स्टैंडर्ड होती है बहुत सिस्टमेटिक होती है बहुत ही अच्छे से ड्राफ्टेड होती है वो समझ में आ जाती है

इसको हम लोग ऐसे 330 के हिसाब से 330 के हिसाब से हमको जवाब देना होगा आइए अब जिसने पहले क्वेश्चन किया हुआ है क्वेश्चन समझा हुआ है वो बड़े आसानी से इमीजिएटली इसको इमीजिएटली इसको बता लगा लगेगा कि भाई मुझे क्या बताना है आइए नाउ लिसन गाइज ऐसे 315 में हम लोग पढ़ते हैं हम हम लोग ऐसे 315 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपको रिस्क अगर आपको रिस्क पता करना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है आपको पर, आपको परफॉर्म करना है पड़ना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब होता क्या है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो एंटिटी ऑन इट्स एनवायरनमेंट को जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉम्प्लीकेशन कहाँ पे आपको पता चल जाएगा जजमेंट्स कहाँ पे? पे आपको पता चल जाएगा प्रेशर कहाँ पे आपको पता चल जाएगा चोरी के मैन्युपुलेशन के चांसेस कहां पे जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको जब आपको ये पता चल जाएगा जानकारी पता चल जाएगी तो इसको यूज करके आप आइडेंटिफाई और असेस कर सकते हो रिस्क रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आखिरी का स्टेप आप बोल सकते हो आखिरी की चीज बोल सकते हो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क तो 315 की कभी थेरी आप पढ़ोगे तो पहले वो आपको रिस्क असेसमेंट के बाद में बताते हैं कि जानकारी कैसे इकट्ठा करना जानकारी कैसे इकट्ठा करना उसके बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं आखिरी स्टेप उसका identify and assessing risk जानकारी इकट्ठा करने के बाद में कैसे identify और assess risk करना दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको समझाना है identifying and assessing risk को क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्वेश्चन में assess ठीक है assessing risk ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पूछा है assessing risk ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पूछा है How to identify and assess risk, उसके बारे में 315 में हाउ टू के बारे में लिखा हुआ है वो हमको लेना पड़ेगा ठीक है आइए सबसे पहले क्या समझाएंगे 315 का रेफरेंस देखे सबसे पहले सबसे पहले चीज हम लोग समझाएंगे कि रिस्क को हम लोग असेस करते दो लेवल पे रिस्क को हम लोग असेस करते दो लेवल पे ठीक है पहला रिस्क होता है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा होता है रिस्क एट असर्शन लेवल व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जब कहीं जब रिस्क इस नेचर का है ऐसी सर्कमस्टांस और कंडीशन है कि कहीं पर भी गलती हो सकती है कहीं पर भी गलती हो सकती है ठीक है कहीं पर भी गलती हो सकती है कहीं पर भी, कही भी गड़बड़ हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंपनी ए एस से इंडिया पर शिफ्ट हो रही है कहीं पर भी गलती हो सकती है सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं कहीं पर भी गलती हो सकती है मैनेजमेंट की नीयत खराब है कहीं पर भी गलती हो सकती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अचानक करप्ट हो गया कहीं पर भी गलती हो सकती है ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क एनी वेर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट थिंग्स कैन गो रॉन्ग और दूसरी रिस्क होती है असर्शन लेवल रिस्क जब मुझे पता होता है जब जब मुझे मुझे पता पता होता है कि एग्जैक्टली वेन जब मुझे पता होता है एग्जैक्टली exactly, exactly इस फाइनेंशियल आइटम के इस इस फाइनेंशियल आइटम के पर्टिकुलर पॉइंट में गलती होने के उसको लोग लेवल रिस्क बोलते है। जब मैं बात करता हूं असेसिंग रिस्क तो आपको उसके अंदर चार स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं चार चीजें करनी पड़ती है क्या करनी पड़ती है आइए आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क में नंबर वन आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई इसका मतलब वी हैव टू थिंक वॉट कैन गो रॉन्ग हमको सोचना पड़ता है क्या गलत हो सकता है भाई इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा है इन्वेंट्री ऑप्सिलिट हो सकती है डेटर पैसा डुबा सकता है डेटर पैसा डुबा सकता है हम लोग ओवर कैपेसिटी काम कर रहे हैं मशीन का ब्रेकडाउन हो सकता है मशीन का ब्रेकडाउन हो सकता है आपको चार स्टेप परफॉर्म करने पहला स्टेप

अगला सोचना पड़ता है तीसरा पॉइंट हमको सोचना पड़ता है इज इट अफेक्टिंग मेनी assertions क्या मेनी assertions पे इंपैक्ट पड़ सकता है क्या मेनी फाइनेंशियल आइटम पे इंपैक्ट पड़ सकता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क वो बन सकता है फिर वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क अगला बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिस्क अलग-अलग नेचर -अलग की हर रिस्क का लेवल अलग-अलग होता है हमको लाइकलीहुड क्या प्रोबेबिलिटी है गलती होने की लाइकलीहुड दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट पचास परसेंट साठ परसेंट क्या लाइकलीहुड है और क्या मैग्नीट्यूड है पांच लाख की गलती दस लाख की गलती पंद्रह लाख की गलती बीस लाख की गलती पच्चीस लाख की गलती चालीस लाख की गलती कितनी गलती हो सकती है वो हमको देखना है चार स्टेप्स तो आप पहले बताएंगे रिस्क दो लेवल पे होती है फिर आप बताएंगे आइडेंटिफाई रिस्क में चार स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कहां पे आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क ठीक है आफ्टर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट वी आइडेंटिफाई द रिस्क वी थिंक व्हाट कैन गो रॉन्ग फिर आप सोचते कौन से असर्शन में प्रॉब्लम होगा मेनी अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगा क्या और और मैग्नीट्यूड क्या तो चार स्टेप्स हमको परफॉर्म करना पड़ेगा ठीक है नाउ दिस इज कॉल्ड कॉल्ड असेसिंग असेसिंग द द रिस्क रिस्क दिस इज इसके अंदर आपको ये दो बातें बतानी पड़ेगी रिस्क दो लेवल पे और आइडेंटिफाइंग असेसिंग की चार बातें ये अब आपका एक पार्ट खत्म हो गया नाउ अबाउट रिस्पॉन्स टू रिस्क अब आपको बात करनी है अब आपको बात करनी है रिस्पॉन्स टू रिस्क की रिस्पॉन्स टू रिस्क की आपको बात करनी है ठीक है इसमें आपको पहली बात करनी पड़ेगी दोस्तों पहली बात करनी पड़ेगी रिस्पॉन्स टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्पॉन्स टू रिस्क आपको पहली बात करनी पड़ेगी टू टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पॉन्स टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ओके कम ऑन ओकेट इज दिस रिपॉस वॉट इज दिस रिस्पॉन्स टू रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आइए बहुत सिंपल सर ठीक है अगर अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो आपको पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल रिस्क है तो आपको ओवरऑल रिस्पांस देना पड़ता है यू हैव टू गिव ओवरऑल रिस्पांस आपको ओवरऑल रिस्पांस देना होगा आपको ओवर over, आपको ओवरऑल रिस्पांस देना होगा ओवरऑल रिस्पांस मतलब क्या टीम को बड़ा बनाना टीम में ज्यादा मेंबर्स लाना उसमें सीनियर्स को इंक्रीस कर देना एक्सपर्ट को इंक्रीस कर देना ऐसा करने के बाद में पूरी टीम को बुलाना उनको बोलना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का लेवल आप बढ़ा दो अलर्टनेस का लेवल आप बढ़ा दो सरप्राइज चेकिंग आप बढ़ा दो सुपरविजन बढ़ा दिया जाए ये सब चीज़ें करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क में हमको पता नहीं होता कहां पर गलती हो सकती है तो हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है हम टीम को स्ट्रांग बनाते हैं हम लोग टीम को स्ट्रांग बनाते हैं फिर उसके बाद में अगर असर्शन लेवल रिस्क है

यहां पे बहुत एक सिंपल सी बात और बोली हुई है बहुत सिंपल जब भी आपको रिस्क मिले ना उसका जो बेसिक रीजन है वो बहुत अच्छे समझे कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन के वजह से रिस्क है कॉम्प्लिकेशन की वजह से रिस्क है जजमेंट की वजह से जजमेंट की वजह से रिस्क है या फिर कोई प्रेशर है उसकी वजह से रिस्क है या चीजें चोरी हो सकती है उसकी वजह से रिस्क है या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसकी वजह से रिस्क है व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन अगर आप रूट कॉज को समझोगे तो बहुत अच्छे से आप ऑडिट प्रोसेस को तय कर पाओगे कि कौन से इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट करना चाहिए और कौन से सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लगता है कि है कि सेलेबल और मूवेबल तो फिजिकल बहुत इंपॉर्ट हो जाएंगे फिजिकल कंट्रोल्स को बहुत ज्यादा चेक किया जाएगा बहुत ज्यादा चेक किया जाएगा और दूसरा एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा चेक किया जाएगा इसलिए ऑलवेज अंडरस्टैंड द बेसिक रीजन रूट कॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क उससे आपको समझा कौन से कंट्रोल उसको टेस्ट करना चाहिए कौन से असर्शन में प्रॉब्लम होने वाला है हमको कौन से सबस्टैंड ऑडिट प्रोसेस लगाने पड़ेंगे ठीक है फिर एक सिंपल सी बात बोली है जैसे से रिस्क बढ़ती जाए वैसे से आपके ऑडिट प्रोसेस बढ़ने चाहिए और आपने ज्यादा से ज्यादा

बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा बहुत सिंपल सा था इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछेंगे दोस्तों अभी जो नया अभी जो नया ट्रेंड है अभी जो नया ट्रेंड है वही क्वेश्चन होता है वही कॉन्सेप्ट होता है लेकिन डीप खेल के मारते वहां पे। ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूट कैसे कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहे हैं Institute कैसे कैसे कर है? आई 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 फटाफट 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 आज के सेशन में बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं लेंदी लेंदी क्वेश्चन होने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को जहां पे आप आधा पौन घंटा एक एक घंटा देने वाले थे मैं आपको फटाफट फटाफट दस दस मिनट में उसको करवाने वाला हूँ और बहुत कन्विंसिंग आपको करवाने वाला हूं अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नवंबर ट्वेंटी थ्री का पर नवंबर ट्वेंटी थ्री मॉक का क्वेश्चन है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है नवंबर ट्वेंटी थ्री है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है क्या ट्रेडिशनल क्वेश्चन है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट

एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ब्रॉड प्रोग्राम है इसमें वाइड रेंज ऑफ रिस्क कवर होते हैं इसमें वाइड रेंज ऑफ रिस्क कवर करते हैं इंटरनल फैक्टर्स से जो रिस्क होती है वो भी कवर होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो रिस्क आती है वो भी कवर होती है एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में रिसेशन आएगा उससे क्या इंपैक्ट होगा वो भी कंसिडर होता है इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही वो भी कंसिडर होता है कॉम्पिटिशन की वजह से क्या प्रॉब्लम है वो भी कंसिडर होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन की वजह से क्या होगा वो भी कंसिडर होता है कंपनी के अंदर मशीन ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा वो भी कंसिड होता है आपके लेबर प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा वो भी कंसिडर होता है फाइनेंस की प्रॉब्लम है उससे क्या होगा वो भी कंसिडर होता है फैमिली गवर्नेंस है उससे क्या होगा वो भी कंसडर होता है इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग इट कवर्स इट्स अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट इट कवर्स वेराइटी ऑफ रिस्क वेदर इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स वेदर इट इज बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स एग्जाम्पल्स फॉर द सेम तो आपको पहले मुद्दे मुख्य बताना है कि ये एक ब्रॉड है और वेराइटी कवर होती है ये सुनने के बाद में आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी और आप जबरदस्त आंसर लिख पाओगे ठीक है नाउ 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 नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क की नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क में तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा दोस्तों कि जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है ये कंपैरेटिवली एक नैरो ये कंपैरेटिवली एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली एक नैरो नैरोप्ट है ठीक है इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको बता दूं 315 के अंदर 315 के अंदर बचपन में आपने पढ़ा होगा 315 के अंदर 315 के तीन के अंदर दोस्तों ठीक है मैं आपको अगर बता दू जस्ट मिनट गाइस दो मिनट के लिए आपकी स्क्रीन गायब रहेगी कोई बात नहीं मेरी बात सुनते रहिए 315 के अंदर 315 के अंदर आप इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन पढ़ते हो बड़ी प्यारी डेफिनेशन होती है बच्चों को समझ में नहीं आती मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ऐसे 315 बोलता है जो ऑडिटर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले जो ऑडिटर्स है ठीक है वो लोग वो लोग सभी कंट्रोल्स पे ध्यान नहीं देते उनके लिए उन सभी कंट्रोल्स पे ध्यान नहीं देते सिर्फ कुछ ही कंट्रोल्स होते हैं जो कुछ ही कंट्रोल्स होते हैं जिनको उन्होंने कंसिडर करना चाहिए जिसके बारे में उन्होंने सोचना चाहिए और कौन से कंट्रोल्स होते हैं ये चार चीज को चार चीज को चार और प्रोसीजर्स बनाई हुई है लॉ कंप्लाय कंपनी के लॉ कंप्लायस के लिए लीगल डिपार्टमेंट लीगल हेड टीम सॉफ्टवेयर एडवाइजरी जो भी आप ली है ठीक है लॉ कंप्लायंस वाले कंट्रोल्स लॉ कंप्लायस वाले कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल कैटेगरी में आते हैं फिर जो आपने पॉलिसी प्रोसेस बनाई है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स सेफ एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए एसेट्स को सेफ करने के लिए फिजिकल कंट्रोल रेगुलर रिकन्सिलेशन वो एक ऑर्टर के लिए इंटरनल कंट्रोल्स के डेफिनेशन में आते हैं फिर एसेट्स को यूज करके ऑपरेशंस को एफिशिएंट इफेक्टिव रखने के लिए जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई है वो इंटरनल कंट्रोल में आते हैं और आखिरी में ऑपरेशंस की अकाउंटिंग प्रॉपर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग प्रॉपर रिपोर्ट्स बनना उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए जो कंट्रोल्स बनाए वो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आते हैं तो तीन 315 बोलता है 315 बोलता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के लिए सिर्फ कुछ ही कंट्रोल्स कुछ ही कुछ कुछ ही पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल में आती है चार चीजों को अचीव करने वाले पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ लीगल कंप्लायंस उसके बाद में एसे गार्डिंग ऑफ एसेट्स उसका ऑपरेशन एफिशिएंट इफेक्टिव उसका ऑपरेशन एफिशिएंट इफेक्टिव होना और फिर आखिरी में फाइनेंशियल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन कंप्लीट एक्यूरेट होना उसके जो कंट्रोल्स है चार तरह की चीजें ठीक है

कि भाई उनके उनके ऊपर लीगल रिस्क है उनके पास में टेक्नोलॉजिकल रिस्क है एम्प्लॉयज चोरी करेंगे तो वो ऑपरेशनल रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क है कितने अलग अलग तरह के रिस्क है उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है फिर एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि असेसमेंट का क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि हम रिस्क को कैसे असेस करेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में करेंगे क्या मतलब परसेंटेज टर्म्स दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट ऐसा हम करेंगे ठीक है या फिर कुछ पॉइंट्स देंगे दस में से चार पॉइंट तीन पॉइंट पांच पॉइंट छह पॉइंट पॉइंट सिस्टम क्या हम लोग परसेंटेज सिस्टम फॉलो करेंगे क्वांटिटेटिव फॉलो करेंगे जिसमें परसेंटेज सिस्टम होगा परसेंटेज और अमाउंट सिस्टम होगा या फिर हम लोग पॉइंट सिस्टम फॉलो करेंगे या फिर क्वालिटेटिव हाई मीडियम लो ऐसा हम फॉलो करेंगे असेसमेंट का एक सिस्टमेटिक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा

Y -axis पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी प्लॉटिंग करो मैपिंग करो, करो उसके बाद में आइडेंटिफाई करो प्रायोरिटाइज करो बड़ी रिस्क बड़ी रिस्क है लॉ का नॉन कम्पलायस बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है गोइंग कंसर्न खत्म हो सकता है करो, कौन सी रिस्क बहुत बड़ी है ठीक है हमको ध्यान देना होगा फिर डिफाइन करो केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और के की रिस्क इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिस्क इंडिकेटर्स नो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड रिस्क इंडिकेटर्स सर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और रिस्क इंडिकेटर्स क्या होते हैं? भाई कंपनी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रॉस प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमको समझ में आता है मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम बोलते की performance indicators, की performance indicators बोलते की 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 परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स हैं फिर रिस्क इंडिकेटर्स ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमको समझ में आ रहा है कि रिस्क बढ़ रही है रिस्क आगे बढ़ जा रही है फॉर एग्जाम्पल कितने साइबर अटैक हो रहे हैं कितने साइबर अटैक हो रहे हैं दैट इज की रिस्क इंडिकेटर्स कितने कस्टमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं दैट इज की रिस्क इंडिकेटर्स कितना वेस्टेज हमारा बढ़ रहा है दैट इज की रिस्क इंडिकेटर्स तो भाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिस्क इंडिकेटर्स को डिफाइन करो डेटा इकट्ठा करो और उसको मॉनिटर करो डेटा इकट्ठा करो कि भाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कैसा कर रहे हैं रिस्क इंडिकेटर्स कैसा कर रहे हैं आखिरी में बेंच करो तुम जो काम कर रहे हो इंडस्ट्री में बाकी लोगों से कंपेयर करो दूसरों से कंपेयर करो पिछले साल से कंपेयर करो कि भाई आपकी रिस्क बढ़ रही है कम हो रही है किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो इंडस्ट्री में कि आप बेकार कर रहे हो वो भी देखते जाइए उससे भी आपको खुद के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आइए दोस्तों फटाफट तो आपका पहले ई ERM के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग इंटरनल uh, कंट्रोल के बारे में बात करेंगे फिर हम लोग ठीक है फिर इसके क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे देन वी विल टॉक अबाउट क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हम क्रिटिकल कॉम्पोनेंट हम क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन लिस्ट बनाना फिर क्राइटेरिया सेट करना फिर असेस करके मैपिंग करना फिर बड़ी रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, करना परफॉर्मेंस रेल को देखना और बेंच करना दो फ्रेमवर्क है दो फ्रेमवर्क आपको काम आएंगे इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में दो फ्रेमवर्क आपको काम आएंगे कोसो ऑफ 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 ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बड़ा प्यारा सा प्रिंसिपल बनाया कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए आई एसओ आई एसओ थ्री वन ट्रिपल जीरो इंटरनेशनल थ्री वन ट्रिपल जीरो प्यारा सा फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब होता क्या है बेसिक प्रिंसिपल एंड फॉर्मेट फ्रेमवर्क मतलब होता क्या है बेसिक प्रिंसिपल एंड फॉर्मेट दिए हुए प्रिंसिपल्स फॉर्मेट दिया अप्रोच दिया हुआ है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए बस खटाखट खटाखट चार बातों को आपको समझाना है ईआरएम ERM को समझाना है ट्रेडिशनल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क वाले अप्रोच को बताना है आपको इसके कॉम्पोन्ट्स बताना है और दो फ्रेमवर्क जो आपको मदद करेंगे ई आर ERM. एम चक्काचक आंसर खुद होकर अगर आप लेकर बैठोगे तो इसको एक एक घंटा लग सकता है और दिमाग फ्रस्ट्रेट हो सकता है दिमाग की दही हो सकती है दिमाग की दही हो सकती है लेकिन मेरे साथ साथ फटाफट -फड़ करेंगे तो दस दस मिनट में बड़े बड़े क्वेश्चन आज बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले दोस्तों ये बड़े बड़े क्वेश्चन को हम काबू में ला सकते हैं इसको हम बेहतर बना सकते हैं ठीक है आइए आप लोग आपके आप 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 लोग लोग आपके क्वेश्चन बैंक में बाजू में जगह वहां पे लिख सकते हो पोस्टिट चिपका चिपका के लिख सकते हो और पूरा डिटेल लिखने की जरूरत तो नहीं एक 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 वर्ड भी अगर आपने लिखा जो आपकी मेमोरी को ट्रिगर कर दे तो वो भी चलेगा आइए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों आइए 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 स्टडी मटेरियल से आया हुआ है स्टडी मटेरियल से आया हुआ है ठीक है क्या क्वेश्चन है आपको बता दो क्या क्वेश्चन है आपको बता दे कंपनी क्या कर रही है हर डिवीजन हर डिवीजन का क्वार्टरली बजट बना रही है हर डिवीजन का क्वार्टरली बजट बना रही है फिर क्वार्टरली बजट को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रही है और जहां पर भी डिफरेंस आ रहा है जो डिपार्टमेंट जो डिवीजन हेड है उससे पूछताछ कर रही है डिफरेंस क्यों आया उससे जस्टिफिकेशन मांग रहे जस्टिफिकेशन मांग रहे अगर कोई गलती निकलती है कोई गलती निकलती है तो उसका रेक्टिफिकेशन करके मांग रहे हैं और आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ऐसा ठीक है उनको बोल रहे कि ऐसा कुछ बनाओ कि आगे ऐसी इंटरनल कंट्रोल के कौन से कॉम्पोन की हिंट मिलती है, है? है? यह आपको बताना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल कंपोनेंट होते क्या पांच कंपोनेंट होते इंटरनल कंट्रोल एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में पांच चीजें अच्छे से होती है पहला कंट्रोल एनवायरमेंट बड़ा प्यारा होता है टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल को फिर कंपनी के अंदर अपना खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है कि कहां कहां पर क्या गलती हो सकती है कितनी बड़ी गलती हो सकती है फिर जहां जहां पे रिस्क है वो लोग कंट्रोल एक्टिविटी निकालते हैं कंट्रोल एक्टिविटी मतलब क्या जहां पे रिस्क है वहां पे आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा दो आप फिर उसके बाद ऑथराइजेशन लगा दो रिकॉर्ड कीपिंग लगा दो रिकॉर्ड रखने के लिए बोलो परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहना रेगुलरली वो वो आप बोल दो एंड सो कंट्रोल एक्टिविटीज है फिर कंट्रोल्स बनने के बाद में उसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है कंट्रोल्स एक बार बन गए तो मॉनिटरिंग करना पड़ता है कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और फिर इन सबको सपोर्ट करने के लिए यू नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए कंपनी कोने कोने की प्रॉपर जानकारी आपके पास में होनी चाहिए ये आपके पांच कम्पोनेंट है तो अगर आपको आंसर लिखना होगा सबसे पहले आप ऐसे 315 का रेफरेंस उसका पूरा नाम एक दो लाइन उसके बारे में लिखेंगे आप 315 315 के बारे में बात करेंगे यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सबसे पहले आप 315 के बारे में बात करोगे और फिर आप बोलोगे कि उसके पांच कंपोनेंट्स आते फाइव कंपोनेंट्स और फिर आप फोकस करोगे कंट्रोल एक्टिविटी पे कंट्रोल एक्टिविटी मतलब क्या और example. फिर आप बताओगे ये जो हो रहा है इसको परफॉर्मेंस रिव्यू बोलते है. ये जो हो रहा है इसको परफॉर्मेंस रिव्यू बोलते हैं ठीक है परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में बताओगे कि यहाँ पे एक एक बजटेड डेटा एक एक्सपेक्टेड डेटा होता है उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से और देखा जाता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि डिटोरिएट हो रहा है ये देखा जाता है इसको परफॉर्मेंस रिव्यू बोला जाता है तो इसका मतलब ये जो काम कर रहे हैं इट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी इट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी पहले आपको लिखना पड़ेगा फिर आपको केस डिस्कस करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो केस में हो रहा है ये एक परफॉर्मेंस रिव्यू एक्टिविटी है इट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी इट इज अ परफॉर्मेंस रिव्यू एक्टिविटी इट इज अ कंट्रोल एक्टिविटी अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार देखा रहा तो आप उसको क्रैक कर तो आप इसको क्रैक कर लोगे लेकिन एक बार देखना जरूरी है इसलिए ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ठीक है थीके? ये जो प्रोसेस ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं दोस्तों ठीक है ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में लर्निंग एक्टिविटी ये अपने आप में लर्निंग एक्टिविटी है ठीक है तो गाइज और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया पर, शुरुआत बड़ी प्यारी की बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग देखते रहे हैं वी आर ऑफ ऑफ लवली लवली क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पे स्टडी मटेरियल ट्वेंटी मटेरियल ट्वेंटी थ्री में है ये पुराने स्टडी मटेरियल में भी था मैं आपको बता दू ये एक केस स्टडी दी हुई है इट इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन इट इज नॉट एग्जैक्टली अ क्वेश्चन एक केस स्टडी दी है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसको क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है इसको क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है तो मैंने बोला इसको फिर लेकर आ जाते हैं ठीक है सबसे पहले बोल रहे हैं कि कंपनी के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मतलब क्या कंपनी के अंदर कुछ भी अनयूजल चल रहा है तो वो अनयूजल चीजें एक्सेप्शन रिपोर्टिंग के अंदर कैप्चर हो जाती है एग्जाम्पल के तौर पर कौन से एसेट के ऊपर जीरो डेप्रिसिएशन कौन से एसेट के ऊपर जीरो डेप्रिसिएशन है कौन से एसेट्स कौन सी इन्वेंट्री निगेटिव चल रही है कौन से एम्प्लॉइज है उनको दो लाख के ऊपर सैलरी है टू लाख पर मंथ के ऊपर सैलरी है एंड सो ऑन एक्सेप्शन रिपोर्ट्स कंपनी के अंदर चलने वाले अनयूजुअल चीजों अनयूजुअल चीजें मिसमैच वाली चीजें अजीबोगरीब चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालता है दैट इज एक्सेप्शन रिपोर्टिंग अब यहां पर ऐसे ही हुआ कंपनी के अंदर एक एक्सेप्शन रिपोर्ट में ऐसा पता चला दो प्रॉब्लम पता चले नंबर 1 पहला पता चला कि 40% परचेसेस बिना परचेस ऑर्डर के माय गॉड 40% परचेसेस में परचेस ऑर्डर ही नहीं है मतलब परचेस करने से पहले परचेस का अप्रूवल ही नहीं लिया गया परचेस ऑर्डर ही नहीं बनाया गया परचेस का अप्रूवल ही नहीं लिया गया और परचेस कर लिया गया इसका मतलब बहुत सारे परचेस इन वैलिड हो सकते हैं बहुत सारे परचेस इन वैलिड हो सकते हैं ठीक है बहुत सारे परचेस गलत हो सकते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम में इतना बड़ा इतना इतना बड़ा इशू इतना बड़ा प्रॉब्लम है सिस्टम में दूसरा कितने हमने परचेस ऑर्डर कितना हमने ऑर्डर प्लेस किया और कितना हम लोगों को गुड्स मिला कितना हमको गुड्स मिला इसको रिकनसाइल नहीं किया जाता ये दूसरा प्रॉब्लम है सिस्टम में तो परचेस के अंदर दो बड़े बड़े प्रॉब्लम है परचेस के अंदर दो बड़े बड़े प्रॉब्लम है आपको ये सिचुएशन देख करके बस वो आगे बोल देंगे कमेंट ऑन दिस कमेंट करिए इसके ऊपर एनालाइज करिए इस चीज को ठीक है तो आप क्या बताएंगे आप बताएंगे जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब इंटरनल कंट्रोल व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप डेफिशिएंसी का मीनिंग बताएंगे डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल है बहुत आसान है ठीक है जब आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज मिसिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटेड डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मेटेरियल स्टेटमेंट इ डेफिशियंसी या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट मेटेरियल मिस्टेटमेंट इवन दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी आप बताएंगे डेफिशिएंसी मतलब क्या और आप बताएंगे कि इस पर्टिक इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको ये डिफिशियंसी नज़र आ रही है परचेस के अंदर दो डिफिशियंसी हमको नजर आ रही है फिर आप बताएंगे उसका नेचर क्या है ये डिफिशियंसी का इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है कि पर्टिकुलर अकाउंट पे है फिर आप बताएंगे नहीं इसका इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है एक पर्टिकुलर अकाउंट में है परचेसिस ठीक है परचेस इस अकाउंट में और क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेबल ये दो अकाउंट्स है इसका नेचर इट इज इट इज अकाउंट लेवल नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल दो अकाउंट हेवी इंपैक्टेड है परचेस और क्रेडिटर्स के ठीक है तो आप बताएंगे कि ये डेफिशिएंसी है आप बताएंगे कि अकाउंट लेवल डेफिशिएंसी है कितना इंपैक्ट है और फाइनली ये तीन चीजें होने के बाद में आप ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसेस लिखी इज डिफिकल्ट बहुत सिंपल सबसे पहले हम पूछताछ करें हाउ द हेल इट इज पॉसिबल कैसे पॉसिबल है यार परचेस तुम कर रहे हो बिना परचेस ऑर्डर के तुम्हारे सिस्टम में कहाँ पेलैकुना है मुझे जवाब दो परचेस कैसे हो सकता है बिना परचेस ऑर्डर के बिना परचेस ऑर्डर के परचेस कैसे ही हो सकता है ठीक है किसने गलती की है क्या प्रॉब्लम है हमको एक बार समझाओ सबसे सिंपल चीज इंक्वायरी करो गड़े हुए मुर्दे बहुत सारी चीजें आपको बाहर पता चलेगी दूसरा ठीक है और मेहनत करनी है परचेस किससे होता है वेंडर सभी कंपनीज में वेंडर लिस्टिंग आज के डेट में बहुत क्रूशल बहुत क्रिटिकल है अगर वेंडर होनहार बुद्धिमान शक्तिमान ईमानदार है रेप्यूटेड है अच्छे नाम वाला है तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मैन्युप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आप देखिए वेंडर लिस्टिंग के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है ना सोच समझ कर प्रोसेस फॉलो करके लिस्टिंग होती है ना प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होते हैं ना ठीक है तो वेंडर लिस्टिंग पे ध्यान दो फिर क्या थोड़ा सा और मेहनत करनी है रैंडमली कुछ परचेस सिलेक्ट करो देखो पी आर एन बना था क्या देखो कोटेशन आए थे क्या परचेस ऑर्डर बना था क्या जी आर एन बना था क्या परचेस इनवॉइस आया था क्या प्रॉपर पेमेंट्स हुए थे क्या एंड सो ऑन तो गाइज अगर आपको ऐसे एक्सेप्शन रिपोर्ट मिलती है तो आप बोलेंगे ये डिफिशेंसी है डिफिशेंसी होती है ये वो आप बताओगे कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पर है कौन से टी अफेक्टेड है वो आप बताओगे और ऑडिट करने का बहुत सिंपल तरीका है सबसे आसान इंक्वायरी फिर वेंडर पे फोकस करना और उसके बाद में परचेस की वाउचिंग कर लेना लेनाटिंग बॉड्यूमेंट डॉक से चेक कर लेना इतना बताइए बहुत बढ़िया तो स्टडी मटेरियल भाई साहब स्टडी मटेरियल के अंदर है जो चीज़ स्टडी मटेरियल के अंदर है उससे उससे अपन मजाक नहीं करते दोस्तों उससे मजाक नहीं करते वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा बताना ही बताना पड़ेगा ठीक है आइए नौ भाई साहब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मे ट्वेंटी टू आरटीपी में दोस्तों मे ट्वेंटी टू आरटीपी में और रिपीटेशन देखो इसके ये ट्रेडिशनल थ्योरी है ये ट्रेडिशनल थ्योरी है ठीक है रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में बोलिए

इसलिए तो ऑडिट में प्रॉब्लम है यही तो दुख दर्द है यही तो हमारे दर्द ही दर्द है हमारे अंदर दर्द ही दर्द भरा होता है क्यों दर्द ही दर्द भरा हुआ है दर्दी दर्द तो इसलिए भरा हुआ है क्योंकि भाई साहब ठीक है क्योंकि भाई साहब ये आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना भाई दोस्तों क्वेश्चन में ये आंसर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है एक ही मिनट मुझे दीजिए एक मिनट एक मिनट मुझे दीजिए दोस्तों जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट थोड़ी स्क्रीन कट रही थी दोस्तों बड़ा ही अच्छी बात नहीं है Estou... Ok Aí é, doutor Não तो ये भैया बहुत टाइम ले लेता है ये आपका ये आपका बहुत ज़्यादा समय लेता है लेकिन मैं आपका टाइम बचाने वाला देखो पहले इसको पूछने का तरीका वट आर द फेजेज ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट वाट आर द जनरल स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट वाट आर द जनरल स्टेप्स इन रिस्क बेस्ड ऑडिट दुनिया भर की इधर उधर की बातें करते हो जनरल स्टेप्स क्या जनरल स्टेप्स क्या, क्या? उसके बारे में आते हो और ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर इसको लाइट ही नहीं लेते इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेते एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो हम लोगों ने बड़ा प्यारा इसको बड़ा प्यारा अरेंज करके रखा हुआ है एम आर आई डॉट वन एटी एम आर आई डॉट वन एटी पर चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर एम आर आई तो आपका जो पहला पार्ट है इसमें तीन सौ पंद्रह के भी क्वेश्चन है इसमें तीन सौ पंद्रह के भी क्वेश्चन है और जो ट्रेडिशनल थेरी है उसके भी क्वेश्चन है आइए पहले आप बताओगे कि जो अपने थ्री तीन जो फेजेस है तीन जो स्टेप्स और तीन जो फेजेस है बहुत सिंपल है ठीक है तीन जो फेजेस है तीन जो स्टेप्स है तीन जो फेजेस और तीन जो अपने स्टेप्स है ना वो हमारे एकदम सिंपल सिंपल से वो हमारे एकदम सिंपल सिंपल से क्या है वो ठीक है आइए रिस्क बेस्ड ऑडिट और यह समझना हमारे लिए बहुत, बहुत आसान है क्योंकि जो हमारे है, वो भी है। वो भी है। हमको यह समझना बहुत है, बहुत आसान है सबसे पहली बात तीन फेज में सबसे पहली बात होती है रिस्क असेसमेंट पहले फेज के अंदर हम लोग पहले फेज के अंदर पहले फेज के अंदर हमारा पूरा फोकस पहले फेज के अंदर हमारा पूरा फोकस होता है रिस्क असेसमेंट के ऊपर हम लोग पता लगाना चाहते हैं रिस्क है दूसरा फेज होता है रिस्पॉन्स टू रिस्क मतलब जहां जहां पे रिस्क है वहां पे हम लोग अच्छी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना चाहते हैं रिस्पॉन्स टू रिस्क और तीसरा फेज होता है रिपोर्टिंग ये तो बहुत ही सिंपल है यही तो होता है हमारे ऑडिट में यही तो होता है साइंड ऑन ऑडिटिंग में पहले रिस्क असेसमेंट करते फिर टू रिस्क करते फिर रिपोर्टिंग करते अब एक एक के अंदर घुसना होता है दोस्तों कभी कभी ये लोग क्या करते हैं सिर्फ एक ही फेज के बारे में पूछते हैं कि भाई आप आ, रिस्क असेसमेंट के बारे में बात कर लीजिए या फिर दोस्तों आप रिस्पॉन्स आप रिस्क के बारे में बात कर लीजिए या फिर आप रिपोर्टिंग के बारे में बात कर लीजिए आइए बहुत सिंपल बहुत आसान है रिस्क असेसमेंट में क्या क्या होता है इनिशियली इनिशियली क्लाइंट आता है और ऑडिट ऑफर करता है हमको केयरफुली सोचना पड़ता है वेदर टू एक्सेप्ट द न्यू असाइनमेंट एंड वेदर टू कंट्यू द ओल्ड असाइनमेंट रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले एज ऑर्डर एज क्लाइंट ऑफर्स द ऑडिट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूंस के बारे में सोचना पड़ता है कि भाई एक्सेप्ट करें या नहीं कंटिन्यू करेगा नहीं

रिस्क असेसमेंट में आपका आखिरी स्टेप होता है आइडेंटिफाइन असेसिंग रिस्क चार सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं क्या गलती हो सकती है कौन से असर्शन में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे असर्शन में प्रॉब्लम हो सकता है क्या और उसके लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी हम पढ़कर आइडेंटिफाइन असेसिंग रिस्क का काम करते रिस्क पता करने के बाद हम लोग रेलेवेंट कंट्रोल्स पता करते कि भाई इस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए रेलेवेंट कंट्रोल के जैसे मैंने बोला कि अगर एसेट की चोरी होने के चांसेस है तो फिजिकल कंट्रोल हमारा रेलेवेंट कंट्रोल है फिजिकल कंट्रोल हमारा रेलेवेंट कंट्रोल है ठीक है फिर अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो कैलकुलेशन कर रहा है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे लिए रिलेवेंट कंट्रोल है फिर ये सब करते अगर हमको डिफिशेंसी मिली अगर आपको ऐसा पता लगा कि एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग है या फिर कंट्रोल बराबर काम नहीं कर रहा है इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग है इंपॉर्टेंट कंट्रोल मिसिंग है या फिर कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा कोई कंट्रोल काम नहीं कर रहा ठीक है तो वो हम लोग वो डेफिशिएंसी को कंपनी के जो बड़े लोग हैं और मैनेजमेंट उनको बता भी देंगे तो पहले फेस के अंदर एक्सेप्ट करना कि नहीं सोचते प्लानिंग करते रिलेवन कंट्रोल्स निकालते और को कम्युनिकेट कर डालते ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशनल थे ऐसे स्टडी नहीं है ये ट्रेडिशनल है दोस्तों ठीक है ये आपकी ट्रेडिशनल है दिस इज यूर ट्रेडिशनल थे गाइज ठीक है नाउ, फिर आपको बात करना है, है तो उससे आप बात कर सकते हो ठीक है देखो मैंने नंबरिंग थोड़ी सी चेंज की है भाई सिंपल आपको बताना रिस्पॉन्स रिस्क में वी परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है उसके लिए ओवरऑल रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं और जो असर्शन लेवल रिस्क है उसके लिए हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फर्दर ऑडिट प्रोसेस मतलब क्या पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना फिर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना और फिर आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले परफॉर्म करो उसके बाद में आप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हो तो पहले उसके बारे में बोलो ठीक है क्या आप क्या ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हो उसके बारे में बोलो अब ये थोड़ी सी ज्ञान की बात जब आप ऑडिट प्रोसेस जब आप ऑडिट प्रोसेस को सिलेक्ट करते हो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कंसिडर फ्यू थिंग्स मतलब कुछ चीजों को ध्यान में रख के हमने आगे चलना चाहिए कौन सी चीज है एम एट यूएसए साला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में की वजह से ठीक है तो 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 जब जब आप करो करो ठीक है आपका A stands for. आपका आपका A stands for. Assertion. हमेशा देखिए कौन से असर्शन में प्रॉब्लम है उसको सोच करके आप ऑडिट प्रोसेस को तय करें आई स्टैंड फॉर इंटरनल कंट्रोल्स ठीक है हमेशा देख करके चलिए कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना विश्वास करना है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स तो अगर अच्छे निकले तो हमारी चेकिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है कम मेहनत में पूरा ऑडिट हमेशा ध्यान में रखो इंटरनल कंट्रोल में कितना विश्वास करना है कितनी चेकिंग करना है उसके हिसाब से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जब सिस्टम को तोड़ देता है मरोड़ देता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ओवर ठीक है override, अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ओवर कर सकता है बहुत सारे सिस्टम्स आप पहले मैनेजमेंट ने ओवर किया क्या उसके चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसेस लगाए और अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आप हो सकता है कि भाई नहीं कंट्रोल से भरोसा ना करें हमेशा मैनेजमेंट ओवर कितना हो सकता है उसको चेक करने के लिए आपके इसमें कुछ ऑडिट प्रोसेस होनी चाहिए चीजों को अनप्रडिक्टेबल रखो जितना अनप्रडिक्टेबल रखोगे सामने वाला प्लानिंग नहीं कर पाएगा अनप्रडिक्टेबल रखो चीजों को कीप इट अनप्रडिक्टेबल ठीक है सामने वाला प्लानिंग नहीं बच पाएगा ठीक है वो आपसे छुप छुप के जा रही थी अनप्रडिक्टेबल रखो घर के पास पहुंच गए कॉलेज में पहुंच गए ठीक है तो भी अनप्रडिक्टेबल सर क्या बकवास था है फिर उसके बाद में सिग्निफिकेंट रिस्क ठीक है थोड़ी इधर उधर की बातें जरूरी होती है सिग्निफिकेंट रिस्क जो रिस्क बहुत बड़ी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है उसको सिग्निफिकेंट रिस्क अगर सिग्निफिकेंट रिस्क मिलेगी तो उसकी स्पेशल प्लानिंग करो उसकी स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर सेपरेट ऑडिट प्रोसीजर आपको तय करना पड़ेगा फिर ए फॉर एनालिकल प्रोसीजर एम एट यूएसए स का ख्याल रखो इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना भरोसा करना उस पर ध्यान रखो मैनेजमेंट वॉरिट कैसे चेक करना अनप्रिडिक्टेबल रखो सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर को लिखो एंडिकल प्रोसेस को लेकर चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि इसके ऊपर एक केस स्टडी पूछी हुई है इसके ऊपर एक केस स्टडी फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ठीक है तो देखो दोस्तों बहुत सिंपल है रिस्क uh, असेसमेंट करते वक्त हम लोग कंट्रोल रिस्क निकालते हैं उसके बेसिस पे हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट निकालते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल हमको परफॉर्म करते हैं तो हमको समझ में आता कितने है कितने डेविएशन है डेविएशन मतलब जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो नहीं किया हमको डेविएशन मिलता है उसको स्टडी करके एग्जामिन करके एनालाइज करके हमको पता चलता है कि कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं आर वेदर कंट्रोल्स आर रियली रिलायबल और नॉट

वी परफॉर्म सब्सटैटिव ऑडिट प्रोसीजर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेसटेंटिव ऑडिट प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं सब्सटैंडिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में हो सकता है हमको मटेरियल मिस्टेटमेंट्स मिले हो सकता है हमको मटेरियल मिस्टेटमेंट्स मिले ये मटेरियल मिस्टेटमेंट्स अगर मिलते हैं तो इसका समझ में आता है कि यार कंट्रोल्स बराबर काम नहीं कर रहे तो मिस्टेटमेंट से भी समझ में आता है कि कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो सबस्टैन्डेरी ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद में भी वापस सोचो क्या मुझे मेरे कंट्रोल रिस्क असेसमेंट को चेंज करने की जरूरत है क्या तो दोनों चीजें करने के बाद जो आपको अल्टीमेट फाइनल कंट्रोल रिस्क मिलता है ठीक है फाइनल कंट्रोल रिस्क मिलता है करने के बाद में आपको फाइनल कंट्रोल रिस्क मिलता है फाइनल आपका असेसमेंट होता है कंट्रोल्स का लेट्स फ्रीज गाइस बहुत सिंपल है बहुत आसान है हमारा प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद पता चलता है इसको चेंज करना है क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद में फिर पता चलता है इसको चेंज करना है क्या ठीक है सारे चेंजेस करने के बाद में हमारे पास में फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट होता है ठीक है लेट्स फ्रीज गाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बहुत बड़ा सा आंसर है हम बड़ा सा आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट को हम लोग पढ़ रहे हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट में कितने स्टेप्स होते हैं दोस्तों तो रिस्क बेस्ड ऑडिट में आपके तीन स्टेप्स होते हैं ठीक है पहला आपका होता है रिस्क रिस्क असेसमेंट फिर आप असेसमेंट आपका फेज है फिर रिस्पॉन्स टू रिस्क होता है फिर रिपोर्टिंग होता है रिस्क असेसमेंट एक प्यारे से फ्लो में है बहुत ही प्यारे से प्यारे से प्यारे से फ्लो में है असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से लेके फिर बाद में

बहुत सिंपल है पहला पॉइंट आप बताइए पहला पॉइंट आप बताइए कि हम पूरा एविडेंस इकट्ठा करते और एविडेंस को एनालाइज करते कि भाई एविडेंस हमारे पास में सफिशियंट अप्रोप्रिएट है ना सभी मटेरियल आइटम्स के कंक्लूजन हम लोग बना पा रहे ना ओवरऑल ओपिनियन हम बना पा रहे ना ठीक है ओवरऑल ओपिनियन हम लोग बना पा रहे ना ऑडिट रिस्क को लोअर साइड में ला पा रहे ना अगर हमको कहीं पर भी ऐसा लगा कहीं पर भी ऐसा लगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल रही है हमको रिस्क लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ऑडिट प्रोसेस ज्यादा परफॉर्म ऐसा भी हो सकता है एविडेंस को एनालाइज करने के बाद हमको ऐसा लगे कि हमको जगह जगह पे रिस्क लेवल्स को बढ़ाना पड़ेगा और एडिशनल ऑडिट परफॉर्म परफॉर्म करके और एविडेंस लाना होगा ऐसा भी हो सकता है तो पहले बैठकर एविडेंस को स्टडी करिए एनालाइज करिए हो सकता है कि आपको रिस्क को बढ़ाना पड़े ऑडिट प्रोसेस बढ़ाने पड़े ठीक है फिर सब कुछ परफॉर्म करने के बाद जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली जो भी आपको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली ऑडिट की और ऑडिट रिपोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो जाकर आप कम्युनिकेट करिए दो गवर्नेंस उनकी बातें सुनने के बाद फाइनल ओपिनियन बना करके रिपोर्ट फाइनल ओपिनियन बनाइए अपने रिपोर्ट में उसको लिखिए अच्छे से और लोगों को प्रेजेंट करिए तो रिपोर्टिंग आपका खत्म हो गया रिपोर्टिंग फेज में पहले एविडेंस का था उसका इम्पैक्ट लिया गया फिर फाइनली फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट किया गया ओपिनियन को फॉर्मेट फॉर्मेट ओपिनियन को फाइनलाइज किया गया ठीक है अगर आपने सेवेंटी परसेंट भी लिख दिया इसमें सेवेंटी परसेंट भी लिख दिया इट इज मोर देन सफिशिएंट इसको पढ़ने को वापस आप आधा एक घंटा लगाते थे और फर्स्ट एड रहते थे ठीक है ना ध्यान देंगे छुप छुप के देखोगे तो सिग्निफिकेंट रिस्क रहेगी हाँ भाई पिट सकते हो ठीक है उसका भाई अगर बॉडी बिल्डर है अगर उसका भाई बॉडी बिल्डर है ना दोस्तों भाई अगर उसका भाई अगर उसका भाई बॉडी बिल्डर है ठीक है तो डेफिनेटली ठीक है आइए आइए नाउ लेट्स सी तो हमारा बहुत प्यारा सा देखो मैंने बोला इस लेक्चर में आज बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले जो आपको परेशान करते हैं आपके स्पीड को स्पीड ब्रेकर जो क्वेश्चन होते हैं हो, वो टैकल होने वाले उसको कैसे निपटना वो हम लोग देखने वाले आइए और ये इनिशियल चैप्टर्स में मुझे लगता है अगले चैप्टर से क्वेश्चन आपके कंपेरेटिवली ईजी है आने वाले चैप्टर्स में इसके आगे के चैप्टर्स में क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी है आंसर्स ईजी uh, है तो हमारा पर डे जो क्वेश्चन का कवरेज है वो इंप्रूव हो जाएगा पर डे क्वेश्चन कवरेज विल इंप्रूव ड्रास्टिकली अब आइए स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन भाई क्या है ये स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन अब मैं आपको बता दूं 315 में एक चीज होती है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क

इकलीहुड और मैग्नेट्यूड चार बातें हम पढ़कर थे ये भी उसी लाइन पे लेकिन इसके पॉइंट्स थोड़े से अलग है ठीक है इसके पॉइंट्स थोड़े से हल्के फुल्के अलग है किसी को याद नहीं है उसने वो बार लिख दिया तो भी चल जाएगा तो भी चल जाएगा लेकिन स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग बट एनाइजिंग द रिस्क इट इज नथिंग बट एनाइजिंग द रिस्क इट इज नथिंग बट एनेलाइजिंग द रिस्क आइए हंड्रेड एम आर आई डॉट हंड्रेड एम आर आई डॉट हंड्रेड देखो ये जो लिंकिंग करते हैं ना हम लोग इससे ये फायदा बहुत ज्यादा होता है एम आर आई एम आर आई डॉट हंड्रेड आइए दोस्तों बहुत सिंपल बहुत आसान ठीक है बहुत सिंपल बहुत बहुत सिंपल बहुत आसान आपका स्टेप्स ठीक है स्टेप्स

सुपर कार्स की मदद से आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो आइए एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंस रिस्क आइडेंटिफिकेशन में एस फॉर सिग्निफिकेंस हमेशा आपको आराम से बैठकर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क निकालना पड़ता है इसका मतलब आपको देखना पड़ता है नंबर वन वट इज द लाइटलीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस आपको सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क समझना पड़ता है कितनी बड़ी रिस्क है समझना पड़ता है इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है इज द प्रोबेबिलिटी वट इज द प्रोबेबिलिटी वट इज द प्रोबेबिलिटी वट इज द लाइटलीहुड ऑफ ऑकरेंस

तभी हमको समझ में आता है कि रिल कंट्रोल कौन से रहेंगे और कौन सी ऑडिट प्रोसेस हमको परफॉर्म करना पड़ेगा और आखिरी में एस स्टैंड फॉर रिस्क में सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो सिग्निफिकेंट रिस्क जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज वेरी हाई वेरी हाई एंड इज वेरी हाई उसको आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन ठीक है स्पेशल ऑडिट आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करना पड़ेगा

ठीक है आपको रिस्क को एनालाइज करना पड़ता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क को आपको समझना पड़ेगा कौन से कंट्रोल्स मिटिगेट कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा असर्शन पे कौन से इंपैक्ट है वो समझना पड़ेगा आपको रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रूट कॉज क्या है रीजन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा और सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा आइए दोस्तों सो आर स्टेप्स स्टेप्स फॉर फॉर रिस्क रिस्क आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन देखो इतना लंबा चौड़ा था इसमें से इसमें से और जो मैं ये मैंने आपको लेटेस्ट ठीक है ये जो लेटेस्ट है जो लेटेस्ट अपना मॉड्यूल के अंदर उसका बेस्ट है इतना भी आपने एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको बताया उतना आपने एक्सप्लेन किया इज मोर देन सफिशेंट वापस एक बड़ा क्वेश्चन था उसको हमने टैकल किया एक बड़ा क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने टैकल किया अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टडी मटेरियल वापस नए स्टडी मटेरियल से आया हुआ है नए स्टडी मटेरियल से आया क्या इंटरेस्टिंग केस है आप सुन लो इस मजेदार भाई ऐसे क्वेश्चन है ना फिर जिसमें सिर्फ थेरी बतानी वो तो है लेकिन यहां है आपको हो, क्या है 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 पे पे यहाँ पे एक है। यहाँ पे एक इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी कंपनी और ऑडिटर ये सोचता है कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी है और मुझे ये पर्टिकुलर एरिया में ठीक है लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट लग रहा है ऑडिटर का जो इनिशियल रिस्क असेसमेंट है इट इज अ लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट इट इज अ इट इज अ लो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए, भाई मेरे लिए तो मेरे लिए तो इट इज अस्क ऑफ मटेरियल ठीक है मेरे लिए तो ठीक है अब वो ऐसा देखता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में ऐसा लिखा है कि जितने भी क्लेम तीस लाख के ऊपर जा रहे तीस लाख के ऊपर जा रहे वहां पे सर्वेयर का अपॉइंटमेंट डिविजनल क्लेम्स कमेटी करेगी कि भाई ये कमेटी रहेगी एक कमेटी रहेगी एक, रहे एक एक कमेटी रहेगी वो अपॉइंट करेगी सर्वेयर का अच्छा मतलब और बाकी केस में जो मैनेजर रहेगा वो करेगा अपॉइंटमेंट मतलब बेसिकली छोटे केसेस में मैनेजर अपॉइंट करेगा बड़े केसेस में कमेटी अपॉइंट करेगी लेकिन जब वो इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करता है तो उसको लाइफ का शॉक मिलता है लाइफ का शॉक मिलता है कि भाई साहब बड़े केसेस में भी बड़े केसेस में भी डिविजनल मैनेजर ही अपॉइंट कर रहा है इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली देर इज अ डेविएशन इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है डेविएशन है प्रॉब्लम है अब हमको बताना है अब हमको बताना है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑडिटर के रिस्क इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट आइए दोस्तों सबसे पहले मैंने कुछ चीजों कट किया है वो ज्यादा हो जाएगी यहां पे आपको ऐसे 315 का रेफरेंस देना है आप ऐसे 315 का आप रेफरेंस दे दीजिए ठीक है उससे भी बेहतर आप आप 15 से पंद्रह का रेफरेंस दे दीजिए आप बता दीजिए कि रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है आप बता दीजिए रिस्क बेस्ड आप बता दीजिए रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है रिस्क बेस्ड ऑडिट में तीन स्टेप्स होते हैं और एक स्टेप होता है रिस्पॉन्स टू रिस्क एक टेस्ट होता है रिस्पॉन्स टू रिस्क जिसके अंदर हम लोग ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आप बताइए अब उसमें आप ये बताइए ये हम डिस्कस करके आए फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट ये हम लोग डिस्कस करके आए

सबस्टैंड ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद हमको वहां पर भी मिसस्टेटमेंट्स मिल सकते हैं मिसस्टेटमेंट्स को देखकर फिर हमारा जो असेसमेंट है कंट्रोल्स का फिर चेंज हो सकता है फिर अल्टीमेटली हमको फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट मिलेगा ये आप थ्योरी बताओगे आप केस को डिस्कस करोगे आप केस को डिस्कस करोगे और आप अल्टीमेटली बोलोगे कंक्लूजन में आप कंक्लूजन में बोलोगे कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में डेविएशंस मिले गलतियां मिले प्रॉब्लम मिले इसे साफ साफ समझ में आ रहा है कंट्रोल रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा जिससे रिस्क ऑफ बढ़ाना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बहुत प्यारा क्वेश्चन की भाई देखो कैसे कंट्रोल रिस्क असेसमेंट आर चेंज होता है कैसे कंट्रोल रिस्क असेसमेंट आर चेंज होता है ठीक है गाइज एज ए सेट बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले कमान 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 फ्रेंड्स ठीक है बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन हमने बहुत सिम्पलीफाई करके हम लोगों ने किए हैं आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी ठीक है और मैं तो आपको बोल के रखा है दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए आपके लिए प्लीज डू लाइक शेयर और सब जगह इसको जरूर जरूर फैलाएं और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं वीडियो के अंदर नाउ प्यारे प्यारे रहे, रहे हमको नाउ बहुत, अच्छा like बहुत प्यारी चीज है अभी नवम्बर ट्वेंटी थ्री मॉक नवम्बर ट्वेंटी थ्री मॉक में आया दोस्तों नवंबर ट्वेंटी थ्री मॉक में आया स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री में आपको बता रहा हूं इम्पोर्ट क्वेश्चन कर रहे इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते कैसे उसकी मार्किंग कैसे करते आंसर को कैसे एनालाइज करते आंसर कैसे एनालाइज करते उसको कैसे क्रक्स निकालते उसका कैसे उसका जूस निकालते कैसे उसका क्रक्स निकालते उसको याद रखते और उसको समझाते ये भी कला है अपने आप में ये भी कला है ये देख देख कर आपके अंदर वो कला डेवलप हो जाएगी दोस्तों ये देख देख कर आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो आपकी कला इंप्रूव हो जाएगी आप खुद कैसे क्वेश्चंस पढ़ते थे और अब मेरे साथ में कैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो

देखो इंटरनल कंट्रोल्स में अवर फोकस इज टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स आर दे प्रॉपरली डिजाइन आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली सबस्टैंडिव ऑडिट प्रोसेस में हमारा फोकस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के टी बी ट्रांजेक्शन बैलेंस और डिस्कलोजर्स तो ये बोल रहे हैं कि एज ऑडिटर मुझे मेरे अकाउंट बैलेंस टेस्ट को लिमिट करना है कम करना है सबस्टैंडिव प्रोसेस को कम करना है अगर आपको सबस्टैंडिव प्रोसेस को कम करना है तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना पड़ेगा ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स रिलायबल है कंट्रोल्स रिलायबल कंट्रोल्स रिलायबल है कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं तब जाकर आपके सब्सटैंड प्रोसेस कम होंगे फिर वो लाइक अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम टू अचीव टू सूट योर पर्पस ये बोल रहे हैं कि भाई तो इसके लिए अकाउंटिंग कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए इसके लिए आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए देखिए आपके जो अकाउंटिंग कंट्रोल्स है वो अकाउंटिंग कंट्रोल्स अच्छे होने चाहिए तो अगर अच्छे अकाउंटिंग कंट्रोल्स में कौन से कौन से ऑब्जेक्टिव कौन सी कौन सी चीजें अचीव करनी चाहिए हमको ये बताना है कि एक अच्छा अकाउंटिंग कंट्रोल कौन सी कौन सी चीजें अचीव करता है कौन से कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करता है फिर ताकि उसकी मदद से आगे जाके सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस कम हो सके आइए लिस्ट दी हुई है लिस्ट को याद रखने में मौत आ जाती है लिस्ट को याद रखने में मौत आ जाती है रिवाइज करने में दिक्कत हो जाता है टाइम ही टाइम लग जाता है अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक फ्लो बता रहा हूँ अब मैं यहाँ पे आपको फिर से एक फ्लो बता रहा हूँ और ये फ्लो में आपको बताऊंगा ये फ्लो में आपको बताऊंगा तो बात बन जाएगी ठीक है कम समय में आप ज्यादा कवरेज कर लोगे कम समय में ज्यादा कवरेज कर लोगे दोस्तों आओ 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 देखिए इंटर जो अकाउंटिंग कंट्रोल्स है ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बना होता है आप बताएंगे अकाउंटिंग कंट्रोल्स ये चीजें अचीव करने के लिए बना होता है अगर ये चीजें अचीव कर ले अकाउंटिंग कंट्रोल तो हम बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल्स आर वेरी गुड और इसके वजह से आगे जाके जो अकाउंट बैलेंस टेस्ट है मतलब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है वो हमको कम परफॉर्म करने पड़ेंगे तो मैंने इसको दो इसमें बांट दिया है ठीक है आप सिंपल आप सिंपल दो चीजों को बस याद रखो असर्शन ट्रांजैक्शन के असर्शन ट्रांजेक्शन के असर्शन अगर आपको याद रखो करोड़ के सेल्स है हजार करोड़ के सेल्स से है तो उससे आपके क्या असर्शन आई होप आपको असर्शन मतलब पता है फटाफट -फड़ बता दो उसका मतलब बता दो ठीक है सबसे पहले ब्रॉड मतलब देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत भारी कॉन्सेप्ट है भारी कॉन्सेप्ट चीजों का पहले कोई ब्रॉड मतलब होता है और स्पेसिफिक मतलब भी होता है ब्रॉड मतलब भी होता है और स्पेसिफिक मतलब भी होता है पहले ब्रॉड मतलब बता दो ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दे रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू उनको हम इन जनरल ब्रॉड मतलब उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अब थोड़ा सा उसका स्पेसिफिक मतलब लेकर आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह का डेटा होता है ट्रांजेक्शन बैलेंसेस और डिस्कलोजर तीन तरह का डेटा होता है और हर डेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ बातें बोलता है यह है स्पेसिफिक मतलब ऑफ स्पेसिफिक मतलब ऑफ असर फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलू फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलू कि सेल्स हमारे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलू कि सेल्स हमारे हजार करोड़ है हजार करोड़ है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है, सेल असली है, बोल रहा है ये कोई भी सेल छूटा नहीं है ये बोल रहे कि अमाउंट सही है अमाउंट सही है एक्यूरेसी अमाउंट सही है एक्यूरेसी ये बोल रहे हैं कि भाई ये सही बिजनेस में ये सही सही बिजनेस में सही बिजनेस में सही अकाउंट में गया हुआ है क्लासिफिकेशन इस साल का अगले साल नहीं गया अगले साल का इस साल नहीं आया कट ऑफ ठीक है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ ये आपके असर्शन है बहुत सिंपल एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल ने जो हमारे असर्शन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और असरशंस को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए तो इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहला असर्शन है ऑक्रंस तो इंटर अकाउंटिंग कंट्रोल ने इंश्योर करना चाहिए जो ट्रांजैक्शन रियली really हुए है वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो उसने ऑक्रंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए अगला क्या होता है कोई कुछ भी ना छोड़ कंप्लीटनेस एक अकाउंटिंग कंट्रोल ने इंश्योर करना चाहिए कि सभी ट्रांजेक्शन कवर हो कोई भी ट्रांजेक्शन छूटे नहीं इट इज नॉट लेफ्ट आउट अगला क्या होता है इंश्योर करना चाहिए क्लासिफिकेशन इंश्योर करना चाहिए कि सही बिजनेस सेगमेंट में सही अकाउंट के अंदर उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए क्लासिफिकेशन कट ऑफ इंश्योर करना चाहिए टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड हो

फिर एंश्योर करना चाहिए कि जितने भी बैलेंसेस ठीक है थीके? जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना चाहिए उसके नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स चाहिए तो इट शुड एंश्योर असरशन आर प्रोटेक्टेड एंड इट शुड एंश्योर बुक कीपिंग प्रोसेस इज अप्रोप्रियट ये दो बातों को याद रखो बात बन जाएगी भाई पूछा हुआ एग्जामिनेशन में एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है और अब इतने बार में टपक रहा है नवंबर 23 मॉक में टपक रहा है स्टडी मटेरियल 23 में टपक रहा है तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके आइए दोस्तों मैंने आपको बोला था आज हम बड़े बड़े चीजों को टैकल कर बड़े बड़े क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपकी जान खाते ठीक है जो क्वेश्चन आपकी जान खाते जो क्वेश्चन आपका खून चूसते जान खाते जान खाते हैं आपका खून चूसते हैं है, आपको परेशान करते हैं करेक्ट तो वो चिंता मत करो वो क्वेश्चंस का खून मैं पी जाऊंगा डोंट वरी अबाउट इट अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन है पे और एक क्वेश्चन है फ्लोचा टेक्निक के बारे में ज्ञान बांटो बोले थोड़ा सा ज्ञान बांटो फ्लोचा टेक्निक के बारे में थोड़ा ज्ञान ही डालो बोले फ्लोचा टेक्निक के बारे में यहाँ पे बातें लिखी है लंबा चौड़ा ज्ञान है भैया ठीक है तो लंबा चौड़ा ज्ञान है अब लंबा चौड़ा ज्ञान है तो फिर हमने इस पे और मेहनत की है एम आर आई डॉट इस पे मेहनत की हमने जहां पर भी लंबा चौड़ा ज्ञान है वहां पे मेहनत करके रखिए भाई सर ये आ सकता है कि फ्लोचार्ट वगैरह फाइनल लेवल पे भाई साहब अगर कोई चीज़ आपको कोई चीज़ आपको रिसेंट इसमें आई हुई है हम उसको इग्नोर कैसे करें हम उसको इग्नोर कैसे करें आप क्या बातें बताएंगे बता दे रहा हूं मैं आपको आइए सबसे पहले आप बताएंगे डेफिनेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसको हम लोग इसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते पहले वो बता देंगे मोटा मोटी आप एडवांटेज बता देंगे फ्लो चार्ट अगर प्यारा सा बना हुआ रहा तो बहुत कंसाइज तरीके से शॉर्ट में पूरा इंटरनल कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन आ जाता है फ्लोचार्ट की वजह से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है कि ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसे हो रहा है ट्रांजेक्शन का फ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनादर वो भी आपको समझ में आता है तो यार बहुत प्यारा अंडरस्टैंडिंग बहुत प्यारी इंप्रूव हो जाती है डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है इट बिकम्स वेरी वेरी इजी ठीक है वेरी वेरी इजी फिर आपको बताना है एक अच्छा फ्लोचार्ट एक अच्छा फ्लोचार्ट अगर बनता है ठीक है एक अच्छा प्रॉपर्ली ड्रॉन फ्लोचार्ट एक अच्छा फ्लोचार्ट अगर बनता है उससे क्या फायदा होता है और उसके बनाने को क्या लगता है अच्छे फ्लोचार्ट के लिए कौन सी बातें लगती है उससे क्या फायदा होता है एक अच्छे फ्लोचार्ट से रिलेटेड बातें कर रहे विशाल सर अपने फेमस है यार फ्लोचार्ट के लिए विशाल सर फेमस है ठीक है तो विशाल सर रीड्स विशाल सर रीड्स ये सही लगा मुझे विशाल सर रीड्स प्रॉपरली ड्रॉन फ्लो चार्ट शॉर्टकट क्या है विशाल सर रीड्स प्रॉपरली ड्रॉन फ्लो चार्ट उसके बारे में विजुअल क्लैरिटी एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट है तो विजुअल विजुअल क्लैरिटी हमको मिल जाती है पूरा फ्लो ऑफ एक्टिविटी हमको मिल जाता है कि भाई क्या क्या कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व कितने डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है कितने डिविजन इन्वॉल्व है और फ्लो क्या है इसकी आपको पूरी विजुअल क्लैरिटी मिल जाती है पूरी आपको विजुअल क्लैरिटी मिल जाती है दोस्तों फिर रिकॉर्ड्स कंपनी के कंपनी के अंदर कौन से कौन से लोकेशन पे कौन से कौन से बंदे के पास में कौन से कौन से रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं इसकी स्ट्रेट अवे हमको अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है कहाँ कहां पे रिकॉर्ड स्टोर्ड है कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है कौन से फॉर्मेट में स्टोर्ड है इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है अच्छे फ्लो चार्ट से एक्सपर्टीज एक अच्छा फ्लोचार्ट बनाने के लिए एक्सपर्टीज आपको चाहिए इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम का पूरा नॉलेज चाहिए आपके दिमाग में एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए ठीक है तब जाके विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए तब जाके आप एक अच्छा फ्लो चार्ट बना पाओगे विशाल सर रीड्स विजुअल क्लैरिटी रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक्सपर्टीज रिक्वायरमेंट इससे समझ में आता है कि पूरे ट्रांजेक्शन को कौन कौन कब कब ऑथराइज करता है कौन से ट्रांजेक्शन कौन कौन ऑथराइज करता है और ऑथराइजेशन के बाद ऑथराइज करता है और फिर ठीक है 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 ऑथराइज ऑथराइज करता करता और फिर कितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और किस किस को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी समझ में आता है उसी से कनेक्टेड पॉइंट है डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग ठीक है डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग भाई कितने डॉक्यूमेंट्स बने किस किस को क्या क्या डॉक्यूमेंट मिले फिर बाद में अल्टीमेट डॉक्यूमेंट कहा गया वो डिस्पो फिर कंपनी के बाहर वो कैसे गया ठीक है पूरा डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग समझता है डॉक्यूमेंट हमने बनाया कि बाहर से हमको मिला फिर कौन से कौन से स्टेप से गुजरा फिर कब वो कब वो कंपनी के बाहर गया कब वो कंपनी के बाहर गया या फिर ठीक है उसका काम हो चुका है तो कब उसको डिस्कार्ड कर दिया गया ये पूरा डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग हमको समझता है सेक्शन वाइज चार्ट्स भाई एक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या सेक्शन हो सकते हैं सेक्शन वाइज चार्ट एक अच्छे फ्लो चार्ट में सेक्शन वाइज चार्ट होते हैं ठीक है ठीके? एक थोड़ा सा बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको सेक्शन बताता हूँ ठीक है ये आपके मॉड्यूल में जितनी बातें लिखी है ना टाइटेनियम के अंदर पूरी मॉड्यूल से जैसे आपको दिखता है कि ऑर्डर रिसीविंग ऑर्डर रिसीविंग ऑर्डर रिसीव करने के स्टेप्स और फ्लो चार्ट कैसा है डिस्पैच का फ्लो चार्ट कैसा है ऑर्डर कैसे मिलता है डिस्पैच कैसे होता है फिर बिलिंग कैसे होती है फिर अकाउंटिंग कैसे होती है डेटर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है जनरल लेजर की कैसे इन्वेंट्री की अकाउंटिंग होती है ये अलग अलग सेक्शंस है अलग अलग सेक्शंस आपस में अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या एक्टिविटी होती है समझ में आता है तो भाई साहब आप प्रॉपरली ड्रोन ड्रोन फ्लोचार्ट से फायदे और उसके लिए क्या करना पड़ता है वो फाइनली और एक आखिरी अरे लंबा चौड़ा है ना दोस्तों मैंने बोला था आपको आपको जहां पे दिक्कत होने वाली थी मैंने वहां पे शॉर्टकट बना दिया है एक फ्लो बना दिया है आप बस आप उसको फॉलो करिए आप उसको फॉलो करिए स्लॉट फॉर क्वेश्चन अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आपको स्लॉट रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए आइए आपको पता होना चाहिए सिंबल अलग अलग सिंबल्स का मतलब क्या होता है और कब किसको कहाँ पे यूज करना चाहिए ठीक है अगर आपको करना है तो फिर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझना पड़ेगा और सो समझ के उसको यूज़ करना पड़ेगा लिंकिंग फंक्शंस आपको लिंक करना पड़ेगा एक अच्छे फ्लो चार्ट में आपको लिंक करना पड़ेगा जैसे परचेस इज कनेक्टेड टू ट्रेड पेबल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा ट्रेड पेबल्स और पेमेंट्स तीनों से कनेक्ट करना पड़ेगा सेल्स इज कनेक्टेड टू डेटर्स एंड रिसीट्स उसको भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक अच्छा फ्लो चार्ट एक अच्छा फ्लो चार्ट लिंक होना चाहिए कि कैसे कैसे सेल हो रहा है कैसे डेटर बन रहा है और कैसे कैश मिल रही है वो दिखना चाहिए वहां पर रिलेटेड चीज़ें दिखनी चाहिए प्रोसेस की ओरिएंटेशन स्लॉट ओरिएंटेशन टिपिकली हॉरिजॉन्टल जनरली हॉरिजॉन्टल होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाया जाता है मुझे बताओ कि कहां से प्रॉब्लम गया मुझे बताओ कहां से प्रॉब्लम गया कौन से पॉइंट से प्रॉब्लम गया हेलो कहाँ से प्रॉब्लम किया वो बता दो ऐसे मेरे सामने इतना मैं वो कॉन्सेप्ट में घुस गया इतना कॉन्सेप्ट में घुस गया इतना दीवाने जैसे कॉन्सेप्ट में घुस गया ड्रॉइंग ऑफ चार्ट ओके ओके चलिए आइए फटाफट 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 फ्लोचार्ट पे आ जाइए फ्लोचार्ट वाला पॉइंट मैं बताता दू सुन लीजिए फटाफट फ्लोचार्ट का बड़ा सा आंसर है जो जान खाता है फ्लोचार्ट का बड़ा सा आंसर है जो जान खाता है और हमारे नए स्टडी मटेरियल में फ्लोचार्ट की पूरी थ्योरी है हमारे नए स्टडी मटेरियल में फ्लोचार्ट की पूरी थ्योरी है मुझे लगता था जमाना आगे बढ़ रहा है तो इन्होंने फ्लोचार्ट को छोड़ देना चाहिए इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है पकड़ के रखा है फ्लोचार्ट को अच्छे से पकड़ के रखा है इन्होंने फ्लोचार्ट को पहले आपको बताना पड़ेगा डेफिनेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ठीक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट उसका एडवांटेज क्या है बहुत कम बहुत कम जगह में बन जाता है कंसाइज बन जाता है पूरा बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है पूरा फ्लो समझ जाता है डिफिशेंसी समझ जाता है हमको समझने में बड़ी आसानी है एक प्रॉपरली ड्रॉन प्रॉपरली ड्रॉन फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस और क्या फीचर्स होते हैं विशाल सर रीड्स प्रॉपर्ली ड्रॉन फ्लो चार्ट विजुअल क्लैरिटी पूरी विजुअल क्लैरिटी मिल जाती है कितने डिविजन है कितने डिपार्टमेंट्स है क्या ट्रांजेक्शन का फ्लो है उसकी पूरी क्लैरिटी मिल जाती है पूरी विजुअल क्लैरिटी मिल जाती है ये अच्छी बात है रिकॉर्ड्स पूरे कंपनी में कहाँ कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे कौन से लोगों के पास में कौन से कौन से रिकॉर्ड स्टोर किए गए मैनेज किए गए है वो समझ में आता है लेकिन एक्सपर्टीज ई एक्सपर्टीज इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज लगेगी इसको बनाने के लिए इसको बनाने इसको बनाने के लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज लगेगी बहुत ही आपको आपको बहुत अच्छे सिम्बॉल लगेंगे आपको आपको बहुत अच्छे सिम्बॉल्स का आपको सिम्बॉल्स रहेंगे उसका नॉलेज लगेगा एनालिटिकल माइंड लगेगा वही बंदा फ्लो चार्ट बना सकता है वही बंदा फ्लो चार्ट बना सकता है फिर आपको समझ में आता है ऑथराइजेशन कहाँ कहाँ पे हुआ और ऑथराइजेशन के बाद में डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पर गए पूरा डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट का सोर्स क्या था किसने बनाया कहाँ कहाँ पर गया कितने डॉक्यूमेंट्स बने कितनी कॉपीज बनी कहाँ कहाँ पर है? वो पूरा समझ में आता है डॉक्यूमेंट बाहर से आया तो बाहर से आने के बाद कहाँ कहाँ पर गया कहाँ पे है पूरा डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग होती है और सेक्शन वाइज बनता है जैसे ऑर्डर मिला ऑर्डर मिला उसका सेक्शन आपको मिलता है ऑर्डर बिना उसका एक सेक्शन डिस्पैच हुआ उसका एक सेक्शन बिलिंग हुई उसका एक सेक्शन आपका डेटा अपडेट हुआ उसका सेक्शन 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 सेल्स की अकाउंटिंग उसका उसका एक section, के उसका एक अपडेट सबके अच्छा आपको, तो आपको किसको कहां यूज करना, कैसे यूज करना, उसको यूज करना पड़ेगा आपको लिंक करना पड़ेगा परचेस परचेस क्रेडिटर्स और पेमेंट्स आपस में कनेक्टेड है उनको लिंक करना पड़ा परचेस कैसे होता है ट्रेड पेबल्स कैसे अपडेट जब परचेस की बात करेंगे तो आपको क्रिएटर की भी बात करनी पड़ेगी और पेमेंट की भी बात करनी पड़ेगी सेल्स की बात करेंगे तो आपको डेटर की भी बात करनी पड़ेगी रिसीप्ट की बात करनी पड़ेगी ओरिएंटेशन जनरली हॉरिजोंटल एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपका जो ओरिएंटेशन है आपका जो ओरिएंटेशन है वो जनरली हॉरिजोंटल होना चाहिए हॉरिजोनटल होना चाहिए योर ओरिएंटेशन शुड बी हॉरिजोनटल ठीक है फिर ऑरिजेंटल होना चाहिए आपका जो ट्रांजेक्शन का फ्लो है आपका जो ट्रांजेक्शन का फ्लो है ठीक है योर ट्रां यूर ट्रांजेक्शन फ्लो आपको पूरा ट्रांजेक्शन फ्लो सिस्टमेटिकली दिखना चाहिए पहले से लेकर आखिरी तक क्वेश्चन इंटीग्रेशन फ्लोचार्ट में एक जगह होनी चाहिए और वहां पे लिखना चाहिए कि ये क्वेश्चन ये फ्लोचार्ट कौन से कौन से क्वेश्चन आंसर करता है ये एक फ्लो सेल्स प्रोसेसिंग की के क्वेश्चन आंसर करता है कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे वो आंसर करता है ये फ्लोचार्ट ठीक है आपके सेल्स uh, की अकाउंटिंग कैसे होती है वो करता है ये फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सेव्ड है वो आपको बताता है ये फ्लो तो कौन से कौन से जवाब देता है वो लिखना चाहिए आपको भाई साहब मैंने आपको बताना खून पीने वाले क्वेश्चन जितने खून पीने वाले क्वेश्चन है जितने खून पीने वाले क्वेश्चन है उनका खून अपन पी जाएंगे ठीक है उनका खून अपन पी जाएंगे ये क्वेश्चन लेकर बैठते दिमाग खराब कर देते और कितनी बार भी पढ़ो और एग्जाम के आखिर दिन तो और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मैक्सिमम लोग तो छोड़ के जाते लेकिन भाई कैसे छोड़ू नए स्टडी कैसे कैसे छोड़ याद, तो याद करना पड़ेगा ना छोड़ने की हिम्मत नहीं होती यार कैसे छोड़ते और एक खून पीने वाला क्वेश्चन और एक खून पीने वाला क्वेश्चन बताऊ ना आज तो बड़े बड़े क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन है खून पीने वाले क्वेश्चन की कमी नहीं है ठीक है इंटरनल चेक सिस्टम चिंता मत करिए इसको भी ऐसे मैं आपको एक बहुत ये बता रहा हूं जो बड़े बड़े होते ना कि भाई हाँ जिस दिन आपके दिमाग में ऐसा बैठने लग जाए डेफिनेशन बताऊंगा एडवांटेज बताऊंगा ड्रोन के बताऊंगा ड्रॉइंग कैसे करते उसके बारे में जिस दिन आपके आंसर में ऐसे पॉइंट्स हिट होने लग गए जिस दिन आपके आंसर में ऐसे पॉइंट्स हिट होने लग गए आप पॉइंट्स याद रखने लग गए तब आप गेम बजा रहे हो लाइन बाय लाइन याद नहीं रखना है लाइन बाय लाइन याद नहीं रखना है लाइन बाय लाइन याद रखना बेवकूफी है किसी को पॉसिबल नहीं है पॉइंट याद कर सकते हो ठीक है पॉइंट आप याद रख सकते हो पॉइंट आप याद रख सकते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए नाउ, आइए इंटरनल चेक सिस्टम अरे भाई इंटरनल चेक सिस्टम मे ट्वेंटी टू मॉक में है ये क्वेश्चन मे ट्वेंटी टू मॉक में है ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री में है Mock में है स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री में है, कैसे छोड़ दू इसको अच्छा आपके नए मॉडल के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर्ड है कैसे छोड़ दू इसको मैं हाउ है अब इसको पूछने का तरीका देखिए पूछने का तरीका देखिए ठीक है यहां पे ऐसा बोला हुआ है कि एक, एक हॉस्पिटल में बहुत चोरियां हो रही है पिल्फ्रेज हो रहा है छोटे छोटे अमाउंट में चोरियां हो रही है अच्छा जो बंदा इन्वेंट्री का इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज करता है जिसकी जिम्मेदारी इनफ्लो आउटफ्लो वही वही उसके उसके रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है है देखो पूछा कैसे एक हॉस्पिटल हो रही है जो बंदा इन्वेंट्री मैनेज करता है वही उसके रिकॉर्ड मेंटेन करता है आप बताओ आप बताओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कौन सा पॉइंट गलत हो रहा है और जो पॉइंट गलत हो रहा है उसके बारे में आप बता दो पूरे क्वेश्चन में इंटरनल चेक ये यूज ही नहीं किया है इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में होता तीन बार क्वेश्चन पढ़ो तीन बार क्वेश्चन पढ़ो ठीक है देखो यहां पर तीन बार क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में इंटरनल चेक सिस्टम यूज ही नहीं किया है। अच्छा अब आपको समझना है ओके 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 इस तरीके से पूछते इसको देखो नीचे वापस वही तरीका है पूछने का भाई साहब जो बंदा सेल्स हैंडल करता है जो बंदा ठीक है एक ही बंदा कैश का लेन देन हैंडल कर रहा है और सेल्स की अकाउंटिंग भी हैंडल कर रहा है ठीक है वो भी गलत है एक ही बंदा गुड्स का डिस्पैच और उसके जो चलांज है वो भी हैंडल कर रहा है नाउ अगर ऐसा हो रहा है तो बताना है नीचे तो भी हिंट है नीचे भी हिंट है कि इंटरनल चेक के बारे में बात कर रहे हैं अब ये जान लेता है अब ये जान लेता है भाई ये जान लेता है इतना लंबा चौड़ा चलो आइए ये।, ये जान लेता है इतना लंबा चौड़ा एम आर आई डॉट फोर एटी देखो आज ये चैप्टर अपन बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन ठीक है उल्टा बहुत अच्छा है कि मेरे साथ साथ में बड़े बड़े क्वेश्चन हो जा रहे हैं मेरे साथ साथ में बड़े बड़े क्वेश्चन हो जा रहे ठीक है बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे उसका ओवरव्यू आ जाएगा एक आ जाएगा मोटा मोटी मुझे ये लिखना है फिर से बता रहा है लाइन बाय लाइन लिखने को मत जाओ ठीक है जितना इन्होंने बोला है उसका सिक्सटी सेवेंटी परसेंट भी अपन ने लिखा ना आपको समझ में आना चाहिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं टू द पॉइंट होते हैं वहाँ पे टू द पॉइंट मतलब वो वो पॉइंट कवर करना पड़ता है कुछ क्वेश्चन बहते हैं तो आप समझो टू द पॉइंट क्वेश्चन कैसे होते हैं और बहने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं ठीक है अब आज दोनों तरह क्वेश्चन आए जैसे वो परफॉर्मेंस रिव्यू का क्वेश्चन था कि परफॉर्मेंस रिव्यू है ये टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो वो मुद्दा तो लाना ही पड़ेगा अब ये बहने वाले क्वेश्चन है इंटरनल चेक सिस्टम पहले आप बताओगे ओवरऑल ओवरऑल सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होती है एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्म पहन के आना है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनको अटेंडेंस लगाना है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ठीक है उनको डे एंड पे सुपरविजन को अपना काम बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर टाइम का पैसा मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फिर अकाउंटिंग कंट्रोल्स अकाउंटिंग अकाउंटिंग कंट्रोल एक भी ट्रांजेक्शन छूटना नहीं चाहिए अकाउंटिंग कंट्रोल एक्रिटी रिकॉर्ड होना चाहिए अकाउंटिंग कंट्रोल टाइमली बेस पे अकाउंटिंग कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम जब एक आदमी का काम दूसरा आदमी ऑटोमेटिकली चेक कर ले जब एक पर्सन जब एक आदमी का काम

वो प्रिवेंट करेगा मेटल मिस्टेटमेंट इट विल डिटेक्ट मेटल मिसस्टेटमेंट ठीक है इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है जनरली एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है चार टुकड़ों में और चार लोग इसको परफॉर्म करते हैं तो बराबर एक का काम दूसरा बंदा चेक कर ही रहा है ठीक है इस इंटरनल चेक सिस्टम के वजह से आपका सुपर स्पेशलाइज होता है एफिशंसी इम्प्रूव होती है एफिशियंसी इम्प्रूव होती है किस बंदे ने क्या काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं इंटरनल चेक सिस्टम से गलतियां प्रिवेंट होती है गलतियां डिटेक्ट होती है एफिशिएंटली काम होता है लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं बहुत बढ़िया मोटा मोटी एडवांटेजेस सबसे खास है इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं सबसे खास है इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं मैंने क्या किया आपको बता दू मैंने कुछ चीज़ों को ठीक है कुछ चीज़ों के लिए निमोनिक बना दिया और कुछ चीज़ों को बोल दिया स्टार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफ द ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफ द ईयर मैंने ऐसा कर दिया आइए आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनिशियल कुछ पॉइंट डिजाइनिंग इंडिपेंडेंट मिलिट्री एंड एनडीए बिल्कुल इंडिया में मिलिट्री है और मिलिट्री को सप्लाई करने के लिए एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एकदम मैच भी होता है वेरी गुड हमारे हमारे आर्मी में बहुत अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम है इंडिपेंडेंट मिलिट्री एंड एनडीए आई स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट हमेशा कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कंट्रोल इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए मतलब क्या इंडिपेंडेंट 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 अकाउंटिंग कंट्रोल इंडिपेंडेंट आपका अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए अब इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब क्या वॉट डू मीन बाई इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग कंट्रोल ठीक है ऐसा है कि पूरे कंपनी में कहीं पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है एसेट्स है लाइबिलिटीज है वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ओवरव्यू करते रहना चाहिए परचेज बराबर चल रहा है प्रोडक्शन बराबर चल रहा है सेल बराबर चल रहा है रिकवरी बराबर चल रही है फाइनेंस बराबर चल रहा है हमेशा इंडिपेंडेंटली देखते रहना चाहिए दैट्स अ वेरी गुड तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने आप सभी डिपार्टमेंट का काम चेक करता रहता है दैट इज अ गुड इंटरनल चेक सिस्टम फिर एम स्टैंड फॉर मेकेनिकल डिवाइसेस जगह जगह पे जगह जगह पे आपने मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करने चाहिए जहां पर भी पॉसिबल हो जैसे कैश काउंट कैश काउंटिंग के लिए स्टॉक काउंटिंग के लिए ताकि मैनुअल काउंट को मैनुअल काउंट को मैकेनिकल काउंटिंग से मैच कर सके सब बराबर चल रहा है ना मैकेनिकल डिवाइसेस आप यूज करते रहिए अपने आप काम चेक हो जाएगा लोगों का बराबर चलाना इंटरनल चेक सिस्टम ठीक है फिर आपका एनडीए नो सिंगल पर्सन कभी भी एक ही बंदे को पूरा कंट्रोल मत दीजिए ट्रांजैक्शन को चार टुकड़ों में बांटिए और उसकी जिम्मेदारी चार लोगों को दीजिए

जो इन्वेंट्री संभाल रहा है उसका रिकॉर्ड कीपिंग किसी और को दीजिए ठीक है किसी और को Now, year, और को को दीजिए नाउ स्टार्ट स्टार्ट ऑफ ऑफ द द ईयर ईयर आप बजट बनाइए फिर एक्चुअल कंपेयर करते रहिए कि सब बराबर चल ना इंटरनल चेक सिस्टम ड्यूरिंग द ईयर आप जॉब रोटेशन करिए जब जॉब रोटेशन होता है तो बंदा आके देखता है पहले वाले बंदे ने बराबर काम किया ना लोगों को छुट्टी पे भेजिए आपको पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में लीव मैंडेटरी होती है ठीक है Now, now, आज हमारे 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे आज हमारे 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे वी विल बी थ्रू विद द 74 क्वेश्चंस ठीक है तो हमारा ठीक है 75 हो जाएंगे आज हमारे और मुझे ऐसा लगता है आने वाले इसके अंदर हमको कम समय लगेगा हम ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे क्योंकि अब ये क्वेश्चन ही इतने बड़े हैं ठीक है थीके? और मैं इनको अगर थोड़ा बताऊंगा नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा तुम लोगों को तकलीफ तुम्हारी जितना मैं बताऊंगा उतनी तकलीफ तुम्हारी कम होगी ठीक है फिर आपके आपका आ, रोटेशन फिर आपका पीरियोडिकल रिव्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का रिव्यू करवाते रहो ड्यूरिंग द ईयर वो भी अच्छा है फिर एंड में आप इंडिपेंडेंट स्टॉक टेकिंग करो स्टॉक टेकिंग आप करवाइए अगर स्टॉक मैच होता है सिस्टम से तो चेक होता है कि भाई सब बराबर चल रहा है भाई साहब इतना इंटरनल चेक में आपको चार बातें बतानी पड़ेगी ओवरऑल सिस्टम में एक पार्ट होता है इंटरनल चेक ठीक है वो क्या होता है उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उससे फायदे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके पहला आपका निमोनिक बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन क्या बताओ ये इतना घटिया महा घटिया महा घटिया क्वेश्चन मेरे को तो समझ भी नहीं आया इंस्टीट्यूट ने कैसे डाल दिया कैसे डाल दिया पता नहीं कैसे डाल दिया पता नहीं लेकिन स्टडी मटेरियल में है तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं ठीक है मैं स्टडी मटेरियल में तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं मतलब हमारा मन कैसे मानेगा भैया नए स्टडी मटेरियल से आने के चांसेस हम छोड़ ही कह सकते चीजें नाउ आइए इंटरनल कंट्रोल्स एट एंटरटेनमेंट सिस्टम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट सेंटर है अम्यूजमेंट सेंटर है ढाई किलोमीटर के रेडियस में अगर बहुत फैला हुआ है बहुत बड़ा है और वहां पे वहां पे टिकट कलेक्शन पैसे कलेक्शन के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताओ ये डायग्राम आपको काम आएगा ये डायग्राम ये डायग्राम आपको काम आएगा दोस्तों दिस डायग्राम विल बी वेरी हेल्पफुल ये बहुत ज़्यादा डायग्राम आपको हेल्पफुल रहेगा बस पांच पैसों के बारे में बात करो बात बन जाएगी डायग्राम आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए डायग्राम आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए पांच चीज़ों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी पहली आप बात करोगे किसके बारे में पहली आप बात करोगे प्रिंटिंग टिकट्स एकदम मन से आप लिखो ठीक है प्रिंटेड टिकट्स ही होने चाहिए टिकट्स के ऊपर टिकट्स के ऊपर प्री नंबरिंग होनी चाहिए नंबर होने चाहिए टिकट्स बुकलेट में होने चाहिए बुकलेट सौ सौ का बुकलेट दो सौ दो सौ का बुकलेट ऐसे बुकलेट फॉर्म में होना चाहिए उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के कलर अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग शो के कलर्स अलग अलग हो सकते हैं ताकि उसको मैनेज करने में आसान जाए ठीक है आपको टिकट ये आपके प्रिंटिंग टिकट्स के बारे में बात करना है फिर आपको अगली बात करना है एडवांस बुकिंग टिकट्स प्रिंट हो गए एडवांस बुकिंग एडवांस बुकिंग एडवांस बुकिंग की स्लिप अलग होनी चाहिए कलर अलग होना चाहिए उसके चार्जेस भी अलग हो सकते उसके चार्जेस भी अलग हो सकते हैं ठीक है एडवांस बुकिंग के अंदर एडवांस बुकिंग के अंदर जब एक्चुअल टिकट्स दिए जाते हैं अप्रूवल ऑथराइजेशन चेक करने के बाद में एक्चुअल टिकट देने चाहिए उसके बारे में बात करो थोड़ा सा टिकट सेल के बारे में टिकट सेल के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग होने चाहिए हो सकता है हो कि मैनुअल सिस्टम हो, हो सकता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम हो टिकट सेल करने के लिए टिकट सेल करने के लिए एक सेंट्रलाइज जगह होनी चाहिए वहीं पे ये होना चाहिए मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो सकता है वहां पे कैश कलेक्शन होता है इसलिए उसको सेफ सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है डिस्काउंट और फ्री डिस्काउंट और फ्री की टिकट्स का एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए एक फॉर्म भरना चाहिए प्रॉपर अप्रूवल आना चाहिए प्रॉपर ऑथराइजेशन आना चाहिए फिर ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ टिकट उसके ऊपर इशू होने चाहिए आप प्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे एडवांस बुकिंग नॉर्मल टिकट सेल डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे रिकन्शन बनना चाहिए आपका रिकन्सिलेशन बनना चाहिए आपका शो वाइज आप हर शो का रिकनसिलेशन इतनी टिकट बिकी इतनी टिकट बाकी है इतना कैश कलेक्शन है उसका रिकंसिलेशन बनना चाहिए शो वाइज बनना चाहिए डे वाइज रिकंसिलेशन बनना चाहिए कैश का ठीक है फिर कैश बुक में प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए भाई शो वाइज या डे वाइज एंट्री होनी चाहिए जितनी भी कैश हो रही है अगले दिन डिपॉजिट होनी चाहिए टिकट्स एंट्रेंस पे चेकिंग का तरीका होना चाहिए या तो टिकट को मार्क कर दो फाड़ दो टिकट री ना हो उसका मिस ना हो इसलिए एंट्रेंस पे प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए सरप्राइज चेक करो अचानक टिकट चेकिंग सिस्टम ऑब्जर्व करने चले जाओ अचानक कैश काउंटिंग देखने चले जाओ अचानक टिकट का स्टॉक देखने चले जाओ अचानक चीजों को देखने चले जाओ आप अचानक आप चीजों को देखने चले जाओ बस ये पांच चीजों के बारे में पांच चीजों के बारे में आप ध्यान रखिए पांच चीजों के बारे में ध्यान रखिए प्रिंटिंग के बारे में ध्यान रखा फिर आपको एडवांस बुकिंग उसके बाद नॉर्मल डिस्काउंट के बारे में ध्यान रखा रिकन्सिलेशन के बारे में ध्यान रखा एंट्रेंस के बारे में ध्यान रखा सरप्राइज के बारे में ध्यान रखा बात खत्म ठीक है आइए फाइनली गाइज ये बड़े बड़े क्वेश्चंस का बड़े बड़े क्वेश्चंस का जो था खत्म हुआ बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन का जो फ्लो बड़े बड़े क्वेश्चन का जो फ्लो था वो खत्म हुआ दोस्तों ये जो आपका पहला पार्ट है एम आर आई मटलिटी रिस्क और इंटरनल कंट्रोल्स इसके अंदर ऐसे 315 के कॉन्सेप्ट्स भी है इसके अंदर ऐसे 315 के कॉन्सेप्ट्स भी है और जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वो भी है मैं देखा है बच्चों को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से बड़ी परेशानी होती है लेकिन दोनों को है क्योंकि देखो अभी आप क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकते हैं और जो चीज़ हमारे मॉड्यूल में दिया है वो तो हमारे को कवर मॉड्यूल में दिया है और उस पर क्वेश्चन पूछा है मॉड्यूल में दिया है उस पर क्वेश्चन पूछा है मॉड्यूल में, में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट उस पर क्वेश्चन पूछा है इसलिए डबल इंपॉर्टेंट ठीक है आइए अब ये बहुत सिंपल बहुत आसान स्टडी मटेरियल ट्वेंटी थ्री का है इंटरनल कंट्रोल में जब डेफिशिएंसी मिलती है इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी मिलती है तो उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है तो बहुत सिंपल है ठीक है इंटरनल कंट्रोल में जब डेफिशिएंसी होती है तो उसका कम्युनिकेशन ऐसे टू सिक्सटी फाइव के हिसाब से होता है आप इसको लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं इसको मैनेजमेंट लेटर भी बोलते हैं मैनेजमेंट लेटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं मैनेजमेंट लेटर इसको लेटर इसको लेटर ऑफ वीकनेस इसको लेटर ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं इसको हम लोग इसको हम लोग मैनेजमेंट लेटर भी बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट लेटर ऑल्सो इसको मैनेजमेंट लेटर भी बोला जाता है और इसको कम्युनिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी भी बोला जाता है सबसे पहले आप मेन कंटेंट के बारे में बात करेंगे इस लेटर के अंदर आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ता है नेचर ऑफ डेफिशिएंसी भाई प्रोडक्शन में बाई परचेस में है प्रोडक्शन में है सेल में रिकवरी में अकाउंटिंग में किस चीज के अंदर डेफिशियंसी है क्या डेफिशियंसी है ऑथराइजेशन नहीं होता यह डेफिशियंसी है रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते ये डेफिशिएंसी है रिकंसिलेशन नहीं होता ये डेफिशिएंसी है

क्या प्रोबेबिलिटी है डेफिशिएंसी के वजह से मिस स्टेटमेंट होने की वो भी बताओ पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है कितने करोड़ की गलती हो सकती है वो भी बताओ तो आपके मेन कंटेंट में आप दो बातें बताते हो आप डिस्क्राइब करते हो और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देते हो टू एक्सप्लेन व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल इफेक्ट व्हाट कैन बी द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी आपको डिस्क्रिप्शन भी करना है और पोटेंशियल इफेक्ट भी बताना है फिर अब आपको कुछ और बताना है। अब आपको आपको कुछ और बताना है। माननीय महोदय, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं कंपनी मैं आई एम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था यह बताना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो एक कदम आगे जाके बताना है एक कदम आगे जाके बताना है ट्रू एंड फेयर ये मेरा काम था एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मैं इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करता हूँ टेस्ट करता हूँ ठीक है लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना ये मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था मैंने उसके हिसाब से ना प्लानिंग की ना एग्जीक्यूशन किया मैं साफ साफ बता रहा हूं यह पर्पस था उसके लिए मैं चला बता रहा हूं उसका लिमिटेशन है जितनी डेफिशिएंसी मुझे मिली उतना ही मैं आपको बता रहा हूं ऐसा समझना कि इतनी ही डेफिशिएंसी है यह गलत होगा मैं आपका सिस्टम सर्टिफाई कर रहा हूं ये समझना गलत होगा इस लेटर को दुनिया को बता करके इसका इंटरप्रिटेशन निकालना गलत होगा प्लीज मेरे लेटर का मिस यूज मत करिए दोनों के लिए यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है मैनेजमेंट को अपने सिस्टम की डेफिशिएंसीज पता चलेंगी प्रॉब्लम समझा चलेंगे रेक्टिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में बहुत अच्छा रहे ऑडिटर को इसका बहुत फायदा है ठीक है आगे जाके बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी मटेरियल मिस्टेटमेंट्स कैन ऑकर फ्रॉड और एरर में टेक प्लेस बिकॉज इफ दिस बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन ऑडिटर इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल फ्रॉम लीगल लाइब्रेटिज ये कम्युनिकेशन कर दिया भाई मुझे तो पता था प्रॉब्लम मैं तो मैनेजमेंट को बता दिया था मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उन्होंने इसको ठीक नहीं किया उन्होंने इसको ठीक नहीं किया भाई ऑडिटर को भी बहुत फायदा है भाई साहब ऑडिटर को भी भयंकर फायदा है ऑडिटर को भी भयंकर फायदा, फायदा, फायदा है इस चीज का ऑडिटर को भयंकर भयंकर फायदा है। इस चीज का लीगल लाइब्रेरी से खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा तीन बातें बतानी पड़ेगी मेन कंटेंट बताना पड़ेगा कुछ क्लैरिफिकेशन और लिमिटेशन बताने पड़ेंगे यूजफुलनेस जब ऐसे आप पॉइंट पॉइंट बाय दिमाग में हिट होने लगे ना तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो ये ऑडिट पढ़ने का क्यों पढ़ने का एकदम सही तरीका है कि भाई इतने पॉइंट्स में मेरे को हिट करने का इतने पॉइंट में मुझे हिट करने का प्रॉपर हेडिंग दाल डाल कर हेडिंग उसका सब हेडिंग डाल डालकर हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लू कलर में समरी होती है दोस्तों आइए अब बहुत इंटरेस्टिंग ठीक है आ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है अब आपकी जो डेफिशिएंसी है डेफिशिएंसी वो दो होती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या फिर अदर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या फिर अदर डेफिशिएंसी अब कैसे तय करना कैसे तय करना कैसे तय करना कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर डेफिशिएंसी है तो उसके कुछ मैटर्स है ये मैटर्स को स्टडी करिए आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि अदर है। है? लेंगे अब एक इन्होंने बड़ा प्यारा सा केस बनाया इतना प्यारा केस है क्या बताऊ मैं लवली केस है लवली केस है एकदम बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला केस है बहुत प्यार मोहब्बत वाला, वाला केस है मतलब मतलब दिल्ली जीत लिया क्वेश्चन बनाने वाला बहुत ही कोई इंटेलिजेंट आदमी होगा।, होगा बहुत ही आदमी होगा बहुत बहुत गहरा गहरा ही अति में गहरा इसने ठीक है अब सुन लो क्या लिखा है मैं आपको बताऊं कि क्या लिखा है ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ठीक है और वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करता है एक सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करता है कि इनके जो लीजिंग ट्रांजेक्शन है इनके जो लीजिंग ट्रांजेक्शन है ना वो लीजिंग ट्रांजेक्शन वो जो लीजिंग ट्रांजेक्शन है वो लीजिंग ट्रांजेक्शन ये लोग कर रहे हैं दूसरे देशों से फॉरेन कंट्रीज से एक तो लीज है ऊपर से फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व है ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है यह एक बहुत बड़ी रिस्क है ऑडिटर 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 ऑडिट करने गया और उसने सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया लीज के अंदर लीज के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया खास करके फॉरेन लीजर ठीक है ऑडिटर भी नहीं बोलूंगा मैं मैनेजर एक मैनेजर गया उसने आइडेंटिफाई किया मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया फिर मैनेजमेंट ने एक सवाल पूछा कि कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर अपना खुद का रिस्क असेसमेंट सिस्टम है कंपनी के अंदर अपना एक रिस्क असेसमेंट सिस्टम है वो रिस्क असेसमेंट सिस्टम ने इस रिस्क को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया इसका मतलब कंपनी के अंदर का जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट सिस्टम है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉब्लम इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब कंपनी का एक सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा कंपनी का रिस्क असेसमेंट सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा ठीक है कंपनी का सिस्टम सिग्निफिकेंट रिस्क को पकड़ नहीं पा रहा तो मैनेजर बोलता है कि मैं इस सिग्निफिकेंट रिस्क को पकड़ पा रहा हूं मैं इस सिग्निफिकेंट रिस्क को पकड़ पा रहा हूं आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दिस सिग्निफिकेंट रिस्क बट देयर सिस्टम बट देयर सिस्टम इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क वो सिग्निफिकेंट रिस्क को पकड़ नहीं पा रहा है ठीक है मतलब इनके सिस्टम में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है मतलब इनके सिस्टम में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है ऐसा मैनेजर बोलना चाहता है ऐसा मैनेजर बोलना चाहता है लेकिन वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर आ जाता है वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर आता है और एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है नहीं 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 जब कोई डेफिशिएंसी ऐसी हो कोई डेफिशिएंसी ऐसी हो ठीक है बोले बेसिकली जब कोई डेफिशिएंसी बहुत बड़ी डेफिशिएंसी हो ठीक है जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ नहीं पाएंगे तभी उसको हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं हम एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है अब आपस में अब आपस में इनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया एक मिनट दोस्तों ठीक है आइए तो क्या होगा तो यहाँ पे मैनेजर सही है ठीक है मैनेजर सही है ये इंडिकेट करता है सही में है यार मैनेजर की बात बिल्कुल सही है मैनेजर जो बोल रहा है बिल्कुल सही भाई कितना गहरा मारा है ठीक है भाई अपन ने तो अपन ने क्वेश्चंस तो पूरे इंस्टीट्यूट के उठाए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते होते होते ही पसीना आ जाता नए क्वेश्चन करने का टाइम किधर है और नए क्वेश्चन अगर बनाएंगे भी तो ठीक है नाउ एनी ठीक है आइए अब हमको क्या समझाना मैं आपको बताता हूँ आइए पहले आपको ब्रॉड मतलब बताना यह भी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप ये समझ गए तो बहुत बढ़िया मैं आपको एक ब्रॉड मतलब बता रहा हूं आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ ब्रॉड मीनिंग

ये उसका बहुत ही ब्रॉड मतलब है मोटा मोटी मतलब है जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेफिशियं को सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी के कैटेगरी में डाल सके और उसको प्रोसेस कर सके अब उसका स्पेसिफिक मतलब है ठीक है मतलब कोई चीज स्पेसिफिक मतलब में नहीं भी आई कोई चीज स्पेसिफिक मतलब में नहीं भी आई तो ब्रॉड मतलब में कवर हो जाती है इसलिए उसको ऐसा बनाया तो ब्रॉड मतलब कोई डेफिशिएंसी जब इतनी कोई डेफिशिएंसी कोई डेफिशिय कोई डेफिशिएंसी कोई जब इतनी बड़ी डेफिशिएंसी हो जाए कि दोष चार्ज विद गवर्नेंस को बताना जरूरी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशें उसका स्पेसिफिक मतलब क्या है अब ध्यान स्पेसिफिक मतलब क्या है अगर डेफिशिएंसी के वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑकर हो चुका है वो डेफिशियंसी के वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो चुका है या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है ठीक है बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली ऑकर्ड या फिर ऑकर हो चुका है या फिर बहुत ज्यादा लाइकलीहुड है कि उसके वजह से बहुत बड़ा मटेरियल मिस्टेटमेंट पोटेंशियल मैग्नीट्यूड तो उसको हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं ठीक है एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको अब यहां पे उसके मैटर्स है यहां पे उसके मैटर्स है दोस्तों यहां पे मैटर्स यहां पे मैटर्स दिए हुए हैं इन बातों को देखकर समझ में आएगा कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि अदर है मैं एक एग्जांपल रहा एक कंपनी में 800 करोड़ का कोयला खरीदते हैं 800 करोड़ का कोयला खरीदते साल भर में और 50 करोड़ का वुड खरीदते लकड़ा खरीदते साल भर में दोनों में डेफिशिएंसी है दोनों में डेफिशिएंसी है कि परचेस के पहले प्रॉपर अप्रूवल नहीं है और क्वालिटी चेक नहीं है अब ये दो डेफिशिएंसी है कौन सी डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट में जाएंगी और कौन सी अदर में जाएगी ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर चलो ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर चलो ठीक है नाउ वेरी अमेजिंग फ्लॉस वेरी अमेजिंग फ्लॉस फ्लॉस मतलब स्टाइल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का स्टाइल ही अलग है वेरी अमेजिंग फ्लॉस वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम जहां पे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बहुत ज्यादा है हफ्ते के चार परचेस है कोयले के और क्वार्टर का एक परचेस है वुड का जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे अगर डेफिशिएंसी है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है अमाउंट एक्सपोज्ड कोयले में 800 करोड़ और वुड में 50 करोड़ कोयले में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब मिसमैच कोयले के अंदर बहुत मिसमैच हुआ है परचेस क्या बोला था कितना गुड्स आया ठीक है बहुत मिसमैच निकले पास्ट के अंदर सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी हो सकता है लाइकलीहुड भाई कोयले के मॉइस्चर कंटेंट में बहुत गड़बड़ होती है मॉइस्चर कंटेंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी हो सकता है अदर डिफिशियंसी भाई साहब कोयले में तीन चार चीजें गलत हो रही है आपका परचेस का अप्रूवल भी नहीं है जीआरएन भी बराबर नहीं बनता है

चांसेस ऑफ लॉस फ्रॉड बहुत ज्यादा इसके अंदर ठीक है सब्जेक्टिविटी कोई भी ऐसा आइटम जिसमें ओपिनियन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर्ट वैल्यूएशन वैल्यूएशन आर्ट पेंटिंग वैल्यूएशन गुडविल इंपेयरमेंट फ्रॉम पर्सन पर्सन टू वहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिय हो सकती है तो जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो अमाउंट ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन गलती होने के चांसेस ज्यादा हो अदर डेफिशियंज हो ससेप्टेबिलिटी बेसिक नेचर ही ऐसा एसेट का कि ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है

आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो चीजें जनरली इंडस्ट्री में नहीं होती सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स नहीं हो रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी पीरियड एंड के रिपोर्टिंग को कोई पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कोई कंट्रोल नहीं है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन के लिए कोई कंट्रोल नहीं है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ठीक है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपके आपके सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल आपके सेल्फ पेस्ट जो मॉड्यूल है आपके वो भी शॉर्टकट बना सकते हो स्पम का भी आप, आ, आप बना सकते हो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल वाला भी वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अगर कंट्रोल्स नहीं है कोई सिस्टम नहीं है तो आईसीआई की सिग्निफिकेंट डिफिशेंसी एनी वेज गए कॉन्सेप्ट को समझना होगा ब्रॉड मतलब बताइए स्पेसिफिक मतलब बताइए फैक्टर्स बताइए ब्रॉड मतलब बताइए स्पेसिफिक मतलब बताइए और फैक्टर्स बताइए ठीक है फिर आपको बोलना होगा यहां पर कि जो मैनेजर बोल रहा है बिल्कुल सही है इंपॉर्टेंट कंट्रोल का मिसिंग होना रिस्क असेसमेंट सिस्टम का मिसिंग होना या रिस्क असेसमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं होना या फिर रिस्क असेसमेंट सिस्टम रिस्क असेसमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं होना यह अपने आप में सिग्निफिकेंट तो जो मैनेजर बोल रहा है वो बिल्कुल 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 सही है ठीक है बिल्कुल सही है बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ऐसे ही बताओ ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बच्चे इतने डेप्थ में जाते हैं क्या बच्चे बच्चे कभी कभी मेरे पास आते बोलते हैं हमने सर पूरी पढ़ाई की थी और मेरे को साथ शेयर करते हैं। ऐसे ये बुक से ये पढ़ लिया था वो बुक से वो पढ़ लिया था ऐसा कर लिया तो वैसा कर लिया था मेरे को -कभी, कभी डाउट होता है कि तू सही में डीप में घुसा था क्या तो सही में डीप में घुसा था क्या तूने सब्जेक्ट को जस्टिस किया था क्या करेक्ट तो दोस्तों ध्यान रखना सब्जेक्ट को जस्टिस करना जरूरी है मैं जानता हूँ जैसा भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में घुसना जरूरी है सौ मार्क इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो घुसना जरूरी है और ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है तभी हम कुछ प्यारा बहुत अच्छा कर पाएंगे आइए आइए फटाफट 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 ठीक है दो क्वेश्चन 320 के हैं दो क्वेश्चन 320 के हैं दो क्वेश्चन 330 के हैं छोटे 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 फिर हमारे 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे और ठीक है 74 क्वेश्चंस हो जाएंगे 74 क्वेश्चंस फोर लैग आया लैग 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 हाँ लैग चला गया ठीक है लैग चला गया लैग आया भी था लैग लैग है 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 लैग 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 आ गया ठीक है ओके okay. चलो कोई नहीं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप अच्छे से करिए जितना मैं आपको बता स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है साढ़े तीन सौ क्वेश्चन को तगड़ा बनाएंगे पहले अपन जबरदस्त बनाएंगे जो टॉपिक आपको आसान लगते हैं उसको पूरा कवर करेंगे उसके पूरे क्वेश्चन भी उसको और तगड़ा बनाएंगे फिर टाइम मिलेगा तो और चीज़ों को ऐड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करो लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो चलेगा ठीक है आइए आइए नाउ बेंचमार्क कम ऑन बेंचमार्क बेंचमार्क पे आइए ठीक है बेंचमार्क पे आइए आपको पता है कि आ, आपको पता है आपके आ, मटेलिटी जब कंप्यूट होती है तो उसको बेंच मार्किंग प्रोसेस ठीक है अगर हम मटर्निटी प्रोसेस अगर हम लोग मटर्निटी को कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है मटरिटी को कंप्यूट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बेंच मार्किंग प्रोसेस बोलते हैं उसको हम बेंच मार्किंग प्रोसेस बोलते हैं ठीक है थीके? तीन स्टेप्स होते हैं स्टेप नंबर वन बेंचमार्क चुनना बेंचमार्क चुनना बेस सिलेक्ट करना बेस में आपके प्रॉफिट्स हो सकते हैं या फिर आपके एसेट्स हो सकते हैं आपके टर्न ओवर एग्जाम्पल है ये जनरली आपके बेस में आते हैं उसको एडजस्ट करना उसको एडजस्ट करना और उसपे परसेंटेज लगाना प्रॉफिट का पांच परसेंट टोटल एसेट का एक परसेंट टर्नओवर का आधा परसेंट ये तरीके होते हैं मटेरियडी को कंप्यूट करने के तो को कंप्यूट करने का तरीका उसको बेंच मार्किंग जो बेस होता है प्रॉफिट प्रॉफिट रखे profit रखे कि रखे कि रखे टोटल एसेट ठीक है उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क उसको बोलते बेस अब अगर हमको बेंचमार्क को चुनना है तो कैसे चुने और उन्होंने केस स्टडी भी दिए एयर कंडीशन एयर कंडीशन धंधे में रेगुलर प्रॉफिट है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लॉसेस है बताओ दोनों का बेंच कैसे चुने कोविड में लॉसेस है बताओ बेंच कैसे चुने ऐसा प्रैक्टिकल केस भी पूछा हुआ है प्रैक्टिकल केस भी पूछा हुआ है आइए बेंच मार्क आइए आपको यह स्टेप नंबर वन समझाना है आपको स्टेप नंबर समझाना है 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 बेंचमार्क बेंचमार्क को को अगर चुनना है। को अगर चुनना चुनना तो स्टेप नंबर है आपके क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन बैंक के अंदर भी क्वेश्चन बैंक के अंदर भी एक निमोनिक दिया हुआ है लेकिन मैंने निमोनिक रिसेंटली चेंज किया था आइटम्स इन ओवन आइटम्स इन ओवन को हमको देखना पड़ेगा ठीक है बेंच चुनने के लिए ओवन में क्या आइटम्स देखना पड़ेगा और उसमें से बेंचमार्क चुनना पड़ेगा आइए आई स्टैंड फॉर आइटम्स आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हमको देख सबसे पहले सबसे पहले हमको सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा लोगों का फोकस कौन से आइटम्स पे ध्यान देना दोस्तों जिस जिस आइटम्स पे लोगों का सबसे ज्यादा फोकस है जिससे उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसके लिए अलग से मटेरियलिटी कंप्यूट करनी चाहिए उसके लिए अलग से मटेरियलिटी कंप्यूट करनी चाहिए तो ठीक है आपका आपको देखना है बेंच में कौन सी चीज आएगी बेंचमार्क में कौन सी चीज आएगी आपको दे, आपको बेंचमार्क में कौन सी चीज आएगी आपको समझना पड़ेगा लोगों का अटेंशन किस चीज पे है लोगों का अटेंशन किस चीज पे है एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिजनेस वाली एंटिटी है तो अटेंशन प्रॉफिट पे है गवर्नमेंट है तो अटेंशन टर्न ओवर पे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज एनजीओ है तो अटेंशन टोटल एसेट्स पे कैपिटल पे तो जब भी वॉट वेयर इज द अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आइटम्स पे अटेंशन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर स्टैंड के बाद ओनर्स कौन है ओनर्स कौन है ठीक है अगर एक फैमिली की ओनरशिप है तो वो लोग क्या चाहते है? पूछ लो स्कैटर्ड अगर ओनरशिप है तो इन जनरल पब्लिक क्या चाहती है 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 वो देख लो. वो देख देख लो लो ठीक है? किसका पैसा लगा ओनर्स कौन है? उनको पूछ लो ना भाई उनको पूछ लो एज अ ग्रुप वो क्या चाहते हैं स्कैटर्ड है तो वो क्या चाहते हैं वो देखो फाइनेंस स्ट्रक्चर अगर इक्विटी में पैसा लगा है तो अर्निंग पे पूरा फोकस है प्रॉफिट को बेस बना लो प्रॉफिट को बेस बना लो अगर डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है तो एसेट्स नेट एसेट्स को बेस बना लो जो भी बेंच चुनो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए जो भी बेंच चुनो बहुत वोलेटाइल नहीं होना चाहिए प्रॉफिट बहुत है तो ग्रॉस प्रॉफिट को ले लो ग्रॉस प्रॉफिट बहुत वोलेटाइल है तो टर्न को ले लो बहुत वोलेटाइल नहीं होना चाहिए नहीं तो मटिलिटी बहुत कम ज्यादा कम ज्यादा होगी ठीक है नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ये देखिए कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आप बेंचमार्क आपके लिए निकल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो बेंचमार्क कहां से आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट टर्न ओवर एसेट यह सब वही से आ रहा है नेचर ऑफ एंटिटी पे आप ध्यान दीजिए नेचर ऑफ एंटिटी पे आप ध्यान दीजिए ठीक है वापस वही बात है नेचर प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं है इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए इकोनॉमी अगर ग्रोथ पे है, तो प्रॉफिट रहेगा बेंच मार्क में है। रिसेशन में तो कैश अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों पर जाता है ठीक है लाइफ साइकिल क्या है इनिशियली टर्न ओवर पे है इनिशियली इनिशियन पे फोकस होता है पचास साल बाद प्रॉफिट पे फोकस होता है वेरी सिंपल गाइस नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है सबसे ब्रॉड इकोनॉमी कैसी है उसके नीचे इंडस्ट्री कैसी है उसके नीचे कंपनी कैसी है याद रखने के लिए तो ये चीजें होती है बेंच चुनने के लिए आइटम्स इन ओवन कौन से आइटम्स पे फोकस है ठीक है ओनरशिप स्ट्रक्चर फाइनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है आपके वोलटाइल नहीं होना चाहिए वन ऑफ ऑफ द एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए और आखिरी में नेचर ऑफ द एंटिटी इकोनॉमी क्या बोलती है इंडस्ट्री क्या बोलती कंपनी का लाइफ साइकिल क्या बोलता है और इसका जो आंसर है वो दे रहा हूं मैं सुन लो ध्यान से जहां पे रेगुलर प्रॉफिट्स है प्रॉफिट्स को बेस बना लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस बना लो प्रॉफिट्स को बेस बना लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेस बना लो जहां पे जहां पे आपके लाज जहां पे लॉस मेकिंग है वहां पे टोटल कॉस्ट को बेस बना लो या एसेट को बेस बना लो कॉस्ट को बेस बना लो या एसेट को बेस बना लो बस इतना सिंपल है इतना सिंपल है आपको ये फैक्टर्स पूरे समझाने हैं आपको पूरे 320 का रेफरेंस देना है फैक्टर्स आपको समझाना यहां पर भी एक दिया हुआ है फैक्टर्स आपको समझाने हैं और फैक्टर्स समझाने के बाद में आपको बताना है प्रॉफिट्स इसमें प्रॉफिट्स ले लो लॉस के इसमें कॉस्ट या एसेट्स को ले लो ये आपका सेम एज 42.00 है सेम एज 42.00 42.00 जो है बिल्कुल वैसा ही है बिल्कुल आपका वैसा ही है 42.00 बिल्कुल वैसा है सेम कॉपी पेस्ट डबल आ गया इधर नाउ रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी आइए बहुत ही सिंपल बहुत आसान है रिवीजन ऑफ मटर्निटी गाइस आखिरी के तीन क्वेश्चन आखिरी के तीन क्वेश्चन मैं जानता हूं रेडिएटर अब गर्म हो चुका है रेडिएटर एक गर्म हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं आखिरी के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों आइए 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 बने रहिए अपने कैपेसिटी को ठीक है तीन बातें आपको समझानी है पहले आपको समझाना है रिविजन एस पर एस एवं मटर्निटीज कंप्यूट एट द इनिशियल स्टेजेस But it can be revised as you get new information. You can revise it any time as suitable. आप उसको बिल्कुल revise कर सकते कोई किसी तरह के restriction नहीं है आपको revision के बारे में बताना आपको बताना है अगर मटरिटी level कम होती है इसका मतलब हमको और carefully checking करनी पड़ेगी हमको परफॉर्मेंस मटरिटी हमको परफॉर्मेंस मटरिटी भी चेंज करना पड़ेगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मटरिटी कम होती है मतलब एरिया सेंसिटिव बन चुका है उस एरिया की परफॉर्मेंस मटिरिटी उस एरिया का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट नेचर टाइमिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर नेचर टाइमिंग एक्सटेंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी हमको बदलना पड़ेगा एग्जाम्पल दे दीजिए बुआ बुआ की वजह से बहुत रिविजन होते हैं बुआ क्या मैच होता है बुआ बुआ जी लोगों की वजह से बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस अगर बिजनेस में कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है कोई बिजनेस बंद कर रहा है उसके ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है उसके लिए आपको सेपरेट मटरिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी आई होप आपको एक जनरल रूल पता है मटरिटी पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे निकालते हैं और वही मटरिटी सभी आइटम्स को भी लगती है लेकिन अगर कोई आइटम ज़्यादा सेंसिटिव है इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए एक लोअर मटरिटी निकल सकती है उसके लिए लोअर मटनिटी निकल सकती है

तो उसकी मटरिटी चेंज हो सकती है तो बिजनेस बदल रहा है मटरिटी चेंज हो सकती है अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है अबाउट द एरिया मटरिटी फिर बदल सकती है एक्चुअल फाइनेंशियल हमारे एस्टिमेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से बहुत अलग है बहुत अलग है हम लोग तो सौ करोड़ का प्रॉफिट लेके मटरिटी कम करना पड़ेगा बिजनेस के चेंजेस की वजह से हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई उसकी वजह से एक्चुअल चीजें बहुत अलग है उसकी वजह से रिवीजन करना पड़ता है तीन बातों को बताइए रिविजन अलाउड है बिल्कुल फाइन क्या होता है कहीं के पे क्वानिटी कम होगी तो आपको ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ठीक है भाई साहब याद तो रखना पड़ेगा ना याद तो रखना पड़ेगा री इवेल्युएशन का मतलब ही आपका रिविजन होता है री इवेल्युएशन का मतलब ही आपका रिविजन होता है आइए लास्ट थिंग लास्ट 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 ऐसे उसके अंदर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में फंसे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में फंसे पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा फंसा है पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा फंसा है नवंबर मॉक तड़प रहा है ये क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों ये क्वेश्चन तड़प रहा है आने के लिए आने के लिए तड़प रहा है ये क्वेश्चन ठीक है क्या ऑडिटर प्रीवियस ईयर ऑडिट एविडेंस को यूज कर सकता है कैन ऑडिटर यूज द एविडेंस ऑफ

थ्री थर्टी डॉट जीरो सिक्स जीरो बस खत्म हो रहा है दोस्तों थ्री थर्टी डॉट जीरो सिक्स जीरो सबसे पहली बात आप बताएंगे ऑडिटर का अप्रोच ऑडिटर को हर ऑडिट में हर साल हर साल हर ऑडिट में उसको तय करना पड़ता है वेदर टू यूज वेदर टू उसमें बता दो पहले जब ऑडिटर ऑडिट audit करने जाता है इन फर्स्ट ईयर ही है आप अप्रोच समझिए इन फर्स्ट ईयर ऑडिटर हैज चेक ऑल द रेलवेंट कंट्रोल इन द सबसिक्वेंट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में उसको तय करना पड़ता है कौन से कंट्रोल्स का आई कैन यूज एविडेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और कौनसे कंट्रोल्स को आई विल है ठीक है तो आप बताइए यस हर साल तय करना पड़ता है कौनसे कंट्रोल्स के लिए पिछले साल का एविडेंस यूज करूं और कौनसे कंट्रोल्स को इस साल रीटेस्ट कर दू पहले आपको अप्रोच समझाना है अप्रोच फिर आपको फैक्टर्स अब मैं पिछले साल का यूज करूँ कि रीटेस्ट करूं पिछले साल का यूज करूँ कि रीटेस्ट करूं कुछ बातें मुझे देखनी पड़ेगी पीएम पीएम एंड सीएम सीएम आर चीफ 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 गेस्ट गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर और और हमारे है उनको पूछ लो पी स्टैंड फॉर पर्सनल चेंजेस भाई साहब अगर भाई साहब अगर लोग बदल गए ना भाई साहब अगर लोग बदल गए ना इफ पीपल हैव चेंज ना इफ पीपल हैव है ठीक है अगर लोग चेंज हो गए ना तो मैं बोलता हूँ यार फिर से रीटेस्ट करने के लोग बदल गए यार पिछले साल जो लोग थे लोग बदल गए रीटेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए पिछले 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 साल का पी दो बार है, पी टू। पिछले साल साल का है के यार नहीं है? मान्यौल कंट्रोल। मान्यौल कंट्रोल। मान्यौल मान्यौल इतने नहीं थे कंट्रोल ही बड़ी मुश्किल से नहीं होते, है, वो चेंज होते रहते हैं रिटेस्ट मार रिटेस्ट का मन कर रहा है इसको देखकर फिर सी फॉर कॉम्पोन कंट्रोल एक्टिविटी के अलावा अपना कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंटरनल रिस्क असेसमेंट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बाकी कंपोनेंट्स ठीक नहीं लग रहे यार। कर ले एम फॉर मिस्टेटमेंट भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट हाई यार रिटेस्ट कर ले और इस साल की स्ट्रेटेजी में तो रिलायंस ऑन कंट्रोल बहुत ज्यादा है कंट्रोल से बहुत विश्वास करने का स्ट्रेटेजी हमारा रिटेस्ट मार दे सरकम बदल गए भाई नए लॉज आ गए नए लॉज आ गए क्रिप्टो करेंसी आ गए लेकिन हमारा सिस्टम चेंज नहीं हुआ लैक ऑफ चेंज है है चेंज चेंज इन बट इन बट लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स डर लग रहा रीटेस्ट मार ले जनरल आईटी कंट्रोल्स बहुत वीक है कोई भी आईटी डिपार्टमेंट में घुस जाता है किसी भी पीसी पे बैठ जाता है यूजर नेम पासवर्ड वहां पर पोस्टिड पे लगा रहता है रीटेस्ट मार ले ये फैक्टर्स हमको बताएंगे कि रीटेस्ट करना कि नहीं करना ठीक है अब अब अगर अब अगर सपोज आता है कि यार भरोसा कर ले पिछले साल का यह करने के बाद अगर आंसर ही आता है वी कैन रिलाय ऑन प्रीवियस ईयर और एक चीज चेक करनी पड़ेगी क्या पिछले साल का एविडेंस आज भी रेलेवेंट है क्या क्या पिछले साल का एविडेंस आज भी रेलेवेंट है क्या कब वो रेलेवेंट रहता है अगर इंटरनल कंट्रोल्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो पिछले साल का एविडेंस रेलेवेंट नहीं है अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है बहुत बढ़िया वैसा का वैसा है तो रेलिवेंट है आप जाकर थोड़ा इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन करके देखो कि है क्या अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस है इट इज नॉट रेलिवेंट प्रीवियस एविडेंस लेकिन ध्यान रखना आप पिछले साल पे भरोसा करो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वंस इन थ्री इयर्स ऑडिट होना चाहिए वंस इन थ्री इयर्स ऑडिट होना चाहिए वंस इन तीन साल में एक बार तो ऑडिट करना ही पड़ेगा और स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि थोड़े थोड़े कंट्रोल हर साल चेक हो ताकि एक ही साल पे पूरा प्रेशर ना आ जाए सर इसका मतलब क्या लेट्स फ्रीज पहले हर हर आप बताओ अप्रोच हर साल बैठ के सोचना पड़ता है कितना री, कितना यूज करना प्रीवियस कितना रीटेस्ट फैक्टर्स है पीएम और सीएम चीफ गेस्ट है वो बताएंगे कि भाई रीटेस्ट करना है कि प्रीवियस ईयर का यूज करना है कि रीटेस्ट करना है सब कुछ होने के बाद नहीं आखिरी में देखना पड़ता सिग्निफिकेंट चेंजेस है क्या है तो रिटेस्ट मार दो नहीं है तो भरोसा कर लो लेकिन कितने साल के लिए मैक्सिमम साल के लिए इन इयर्स होना चाहिए देखो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूं पहले साल में सब चेक मार लो पहले कंट्रोल्स को तीन कैटेगरी में बांट दो ए बी सी पहले साल पूरा चेक कर लो अगले साल सिर्फ ए को चेक करो कर अगले साल सिर्फ बी को चेक करो कर उसके अगले साल सिर्फ सी को चेक करो कर आपने तीन इसमें बांट दिया पहले सिर्फ ए को किया फिर बी को किया फिर सी को किया ऐसा अगर तो तुम करोगे ना बराबर ए की चेकिंग में दो साल का गैप आ जाएगा बी की चेकिंग में दो साल का गैप आ जाएगा सी की चेकिंग में दो साल का गैप आ जाएगा और हर साल थोड़े थोड़े कंट्रोल टेस्ट होंगे किसी एक साल पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा किसी एक साल पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा दोस्तों ठीक है ये एप्लीकेशन वाली चीज है आपने इतना बताया बात बन गई लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्या substantive, आ, यहां पे बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा मेरे को बहुत प्यारा लगा इंस्टीट्यूट के मैं आपको बता रहा हूं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कुछ कुछ बड़े प्यारे एकदम एप्लीकेशन ओरिएंटेड भाग रहेटेड भाग रहे ठीक है एक ऑडिट में ऑडिट करने गए असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट रिस्क बहुत ही लो है रिस्क बहुत ही लो है इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं बिजनेस बहुत ही स्टेबल है बिजनेस बहुत ही स्टेबल है सब कुछ बहुत बढ़िया है ठीक है उसमें बंदा एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए जा रहा है क्या आप जब रिस्क इतनी कम है जब इतनी रिस्क कम है तो क्यों मर मर के मेहनत कर रहा है क्यों मर मर के मेहनत कर रहा है ठीक है मेहनत क्यों करना मरमर मर के ऐसा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्यों भेजना क्या प्यारा क्वेश्चन है मैं सही में बता ठीक है सबस्टेंटिव प्रोसीज़ पे सबस्टेंटिव प्रोसेस के पांच पॉइंट होते हैं उसमें से दो पॉइंट यहां पे लगते हैं आपको पांचों बताऊंगा मैं आपको पांचों बताऊंगा बता। उसमें से दो पॉइंट यहां लगते हैं दो पांच पॉइंट होते ठीक है आइए पांच पॉइंट सबसे पहला सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना मैंडेटरी है फॉर ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन बैलेंस डिस्कलोजर सभी मटेरियल आइटम को चेक करना मैंडेटरी है भाई सभी मटेरियल आइटम सभी मटेरियल आइटम्स को चेक करना मैंडेटरी है चेक करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा इन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड इपेक्टिव ऑफ हाउ गुड आर इंटरनल कंट्रोल्स सभी मटेरियल आइटम्स के लिए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स मैंडेटरी है लगानी ही पड़ेगी क्योंकि रिस्क असेसमेंट इज फुल ऑफ जजमेंट इट मे गो रॉन्ग वो गलत हो सकता है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा लैकुना है मैनेजमेंट कभी भी उसको ओवरराइड कर सकता है तोड़ सकता है तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मैंडेटरी फॉर ऑल मटेरियल आइटम्स ऑफ रिस्क असेसमेंट अट ऑफ हाउ गुड आर इंटरनल कंट्रोल्स ये बताना पड़ता है कि भाई ये लगेगा पॉइंट नंबर वन भाई पॉइंट नंबर वन तो लगाना पड़ेगा पॉइंट नंबर वन तो लगाना पड़ेगा कैसा भी हो ऑडिट से तो मैंडेटरी दूसरा सब्सटैशियट करने के लिए आपके पास तरीके है या तो सिर्फ एनालिटिकल या तो सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स या दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एनालिटिकल के बारे में बोल लो थोड़ा सा एनालिटिकल प्रो के बारे में बोल लो वॉल्यूम जहां पर ज्यादा है एनालिटिकल आप लगाते जाओ थोड़ा सा टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बारे में बोल दो कि असर्शंस को देखकर ऑडिट प्रोसीजर को तय करना पड़ता है हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का इफेक्ट होता है ना ठीक है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल का इंपैक्ट होता है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कंट्रोल्स वीक है तो चेकिंग ज्यादा करते कंट्रोल स्ट्रांग है तो चेकिंग कम करते लेकिन चेकिंग तो करनी पड़ेगी फिर चौथी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे 330 में लिखा है दोस्तों ऐसे 330 में लिखा है इट इज मैंडेटरी टू थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंडेटरी है एक्सटर्नल एक्सटर्नल के बारे में सोचना जहां जहां एक्सटर्नलेशन पॉसिबल है उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इट इज मैंडेटरी टू कंसिडर एंड थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड अप्लाई देर एवर पॉसिबल ठीक है ये पॉइंट लगेगा और आखिरी चीज सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज मैंडेटरी फॉर क्लोजिंग प्रोसेस क्लोजिंग प्रोसेस में दो चीजें आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का का ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा कि नहीं अग्री हो रहा कि नहीं ये चेक करने के लिए किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज मैंडेटरी और दूसरा आखिरी के जितने भी मटेरियल जर्नल एंट्रीज है क्लोजिंग स्टॉक प्रोविजन वैल्यूएशन नॉकऑफ्स और एडजस्टमेंट है उसके लिए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर बिठाना पड़ेगा पांच पहला, लगाना ही पड़ेगा मटेरियल तरीके ओनली दिस ओनली दिस या कॉम्बिनेशन ठीक है कंट्रोल्स का इफेक्ट आता है एक्सटेंड कम ज्यादा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचना मैंडेटरी है जहां जहां पे लगता है वहां पे लगाओ क्लोजिंग प्रोसेस में आपको दो चीजों के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा यहां पे आपको पॉइंट वन एंड टू ये क्वेश्चन में आपको पॉइंट वन एंड टू बताना है ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में आपको पॉइंट वन एंड टू जो हम डिस्कस करके आए ना पहले सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर वन एंड टू नहीं सॉरी वन एंड फोर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर को लगाना मैंडेटरी है फिर दूसरा ओ, भी, controls, रीजन भी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ आर द इंटरनल कंट्रोल्स कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रीजन भी दिए और दूसरा जहां जहां एक्सटर्नल हर मटेरियल हर जगह सोचना जरूरी है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन को लगाना पॉसिबल है क्या और अगर पॉसिबल है तो उसको लगाना चाहिए ही चाहिए चाहिए ठीक है हमेशा कंसिडर करें एक्सट्रा कंफर्मेशन लगता है कि और जहां लगता है उसको जरूर है। ये दोनों को समझाना है फिर केस को डिस्कस करना है केस को डिस्कस करना और बताना है बिल्कुल कितना भी अच्छा कितनी कम रिस्क हो कितने भी कंट्रोल अच्छे मटेरियल आइटम्स को चेक करना ही पड़ता है और एक्सट्रल कंफर्मेशन के बारे में सोचना ही सोचना पड़ता है क्या गहरा मारा है क्या गहरा मारा है ये भी अभी का नहीं है नवंबर 23 मॉक है नवंबर 23 मॉक है ये गहराई में तुम उतरे थे क्या ये गहराई में तुम उतरे थे क्या? क्या इसके अंदर गए थे भाई? ठीक है, चलो, 74 हमारे खत्म हो चुके हैं चार चैप्टर चार लेक्चर चार चैप्टर चार लेक्चर चार चैप्टर खत्म हो गए आगे हमारा कवरेज बढ़ेगा प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसको बार बार फैलाइए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद में